इस केस की अगली सुनवाई 23 तारीख को होगी। द कोर्ट इज एडजर्न। चलो देखो रवि, तुम्हारे पिता ने 15 लाख रुपए चुराए या नहीं ये फिलहाल मुद्दा नहीं है। सच तो ये है कि हमें वो आदमी नहीं मिल पाया जिसने तुम्हारे पिता को चीट किया, इसलिए अगर तुम कोर्ट में 15 लाख रुपए भर दो तो तुम्हारे पिता को बेल मिल सकती है। जल्द ही जज की बदली होने वाली है, अगर ऐसा हो गया तो पता नहीं केस का क्या फैसला आएगा। ये केस और भी उलझता जा रहा है, इसलिए किसी भी तरह 15 लाख इकट्ठा करके तुम कोर्ट में जमा कर दो, वक्त बहुत कम है। सर, कोई लड़का आपसे मिलने आया। रवि है ना, भगा दो उसको। सर घर पे नहीं है, बाद में आना, जाओ। सर मुझे मेरे पापा के लिए 15 लाख की सख्त जरूरत है। 15 लाख तो दूर की बात है, मैं तुम्हें एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगा। तू भी अपने बाप की तरह चीटिंग करके भाग गया तो मैं क्या करूंगा। सर पैसों का कुछ इंतजाम हुआ क्या? रवि, कोई तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। जब से तुम्हारे डैडी चीटिंग केस में जेल गए हैं, पैसे की बात करते ही सब मुंह फेर लेते हैं। तेरा कुछ नहीं होगा। मैडम सिर्फ 15 लाख चाहिए, मैं जल्दी वापस कर दूंगा आपको। रवि देखो, बुरा मत मानना, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम्हारे पिता ने मेरी बहुत हेल्प की, लेकिन अब वो चीटिंग केस में जेल में बंद है। प्लीज मेरी भी तकलीफ समझो। सर प्लीज 1 लाख रुपए तो दे दीजिए। ग्रीन पार्क फैमिली रेस्टोरेंट चले? जी गुरुजी। इधर आ। गांधी जी जिंदाबाद। अंदर जाके कॉफी ऑर्डर करना, यही नोट देके अपना बिल भरना और छुट्टी लेके निकल लेना। शुक्रिया गुरुजी। आशीर्वाद। छुट्टी नहीं है सर। होता तो 1000 का क्यों देता। थैंक यू भाई। वेलकम सर। हे वेटर, मेरे बाकी के पैसे तो दो। आपने बिल कब भरा सर? कॉमेडी सर्कस चल रहा है, मैंने 1000 का नोट दिया नहीं, था सर, नहीं दिया था। क्या बकवास लगा रखी है? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर, हाय मैनेजर। मैनेजर सर, क्यों खामखा बहस कर रहे हैं? डोंट आर्ग्यू। क्या बात है सर, क्या हुआ? मैंने कॉफी पी के पैसे दे दिए, ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है मैंने पैसे दिए ही नहीं। आपको कोई गलतफहमी हो रही सर? अरे मेरे पास 1000 रुपए की सिर्फ 2 नोट थी, एक इसको दे दी और एक मेरे पास ये रही, ये देखो। सर जरूर आपको गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी? वो नोट थोड़ा फटा हुआ था, ये देखो उसका एक टुकड़ा मेरे पास है। अब जाके गल्ले में देखो, ऐसा नोट है क्या वहाँ पर? 1 मिनट सर। अम्बा जी, मेरा नाम रवि है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जल्दी बोलो। नहीं आप शायद सो रहे हैं, मैं बाद में आता हूँ। नहीं मैं जागा हुआ हूँ। पर आंखें तो बंद हैं। मुझे नींद में बड़बड़ाने की आदत नहीं है सर। झोल झपाटे वाले काम में आदमी को नींद में भी जागा रहना पड़ता है। आगे बोलो। तुम्हारी बातें सुन के लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम वाकई सीरियस है। तुमने लोगों को चूना लगा के पैसा कमाने का जो फैसला किया है, मैं उसकी कद्र करता हूँ। आई एम इम्प्रेस्ड। तुम्हारी मदद करने के लिए मुझसे जो होगा वो मैं करूंगा, तुम्हें चीटिंग का बादशाह बना दूंगा। देखो इस लाइन के कुछ अपने रूल्स हैं। इस बिजनेस में सब पर भरोसा करना चाहिए, किसी एक पर भरोसा नहीं। थैंक्स अंबाजी। यू आर वेलकम। वैसे मुझे आज शहर से बाहर जाना है। आज मेरी सगी बहन की तीसरी बेटी की तीसरी शादी में मैं नहीं गया, तो मार्केट में अफवाह फैल सकती है कि भाई बहन में झगड़ा हो गया। शादी 6 बजे की है, मैं वो अटेंड करके करीबन 10-11 बजे तक आ जाऊंगा। कल 11 तारीख है, बहुत ही शुभ दिन है, 12 बजे मिलके सबके 12 बजा देंगे। 13-14 लोगों को उल्लू बनाया तो आराम से तुम्हारे 15 लाख का इंतजाम हो गया समझो। तुम अपने फादर को बेल पर छुड़ा सकते हो, हैप्पी एंडिंग। तब तक तुम छोटे मोटे हाथ मारते रहो, प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन प्रैक्टिस कैसे करनी है? Come on. Hey, hey.
सॉरी। कितनी सीढ़ियां चढ़ी? कितनी सीढ़ियां चढ़ी? कौन सी सीढ़ियां? तुम्हारे सामने शक्ति पांचाल की मशहूर बुक रखी हुई है, 5 Steps to Victory। अब तक एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ी, बुक पढ़ते पढ़ते सो गई थी। और आपने? मैं सारी सीढ़ियां चढ़ चुका हूं। सच में सर, मैंने तो बस शुरू ही किया है, पर मेरे तो ऊपर से जा रहा है। ऊपर से तो जाएगा जब तक तुम दूसरी सीढ़ी पार नहीं कर लेती। लेकिन तीसरी सीढ़ी पर जाने से पहले दूसरी सीढ़ी को पार करना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत मुश्किल है। बिल कितना हुआ? 180 रुपए। तीसरी सीढ़ी को पार करते ही चौथी सीढ़ी पर जाने का अपने आप मन करेगा। मेरे पास सिर्फ 1000 का नोट है, छुट्टा मिलेगा। देखती हूँ सर। हाँ जरा देखो ना, चौथी सीढ़ी थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन पहले की 3 सीढ़ियां चढ़ने के बाद तुम्हें वो आसान लगेगी। लेकिन हाँ, तीसरी को अच्छे से पार कर लेना। मेरे पास भी कुछ छोटे पैसे हैं। एक मिनट ठहरो, कहाँ रख दिए? हाँ ये रहे, 100 और ये 50, ये हो गए पूरे 1000 रुपए। जब तक 5 सीढ़ियां पूरी नहीं हो जाती ना, बुक मत छोड़ना। 100, 200, 300, पूरे 1000 रुपए हो गए। लाओ अब मेरा 1000 का नोट वापस करो। कौन सा 1000 का नोट? वही नोट जो तुमने कैश बॉक्स पर रखा था। ये देखो 500, 600, 700, 800 और ये 1000। लाओ मेरा नोट दो। कब दिया? जीत की सीढ़ियां चढ़ने के लिए किताब पढ़ रही है और इतनी जल्दी भूल गई। लाओ मेरा नोट दो। तुम्हें ये बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे नाम का मतलब ही जीत है। सर आपका हिसाब मुझे समझ नहीं आया। आएगा भी नहीं, सीढ़ियां चढ़ते वक्त नोट नहीं गिनने चाहिए। चलता हूँ। हाय विजया। हाय। क्या बात है, आजकल तुम भी 5 Steps to Victory पढ़ रही हो? तो बैठ, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। हाँ ठीक है। कितनी सीढ़ियां चढ़ी? क्या कहा? मैंने कहा कितनी सीढ़ियां चढ़ी? कौन सी सीढ़ियां? अच्छे से जवाब दे। सर वो आदमी है ना, उसने अभी मुझे 1000 का चूना लगाया, अब ये मालती को भी चूना लगा रहा है। कहां जा था? आप 5 Steps to Victory की किताब पढ़ रही हैं और आपने एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ी, ये तो कमाल की बात है। अरे पुट्टा, तू मेरे स्टोर में आके मेरे को चूना लगा रहा क्या? जफर शेख की दुकान में चोरियां करता, पुलिस को फोन लगाओ जी। ओके कट 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 कट। जफर भाई को उल्लू बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्या रे? मैं समझाता हूँ। हे हे कट कट। अरे तू कौन है बे? अरे हम दोनों दोस्त हैं। ओहो तुम दोनों लोग मिलके मेरे को छुना लगा रही क्या? ओ वॉचमैन मेरी बात तो सुनो। हे कट, ये क्या उछल रहे? किससे बात कर रहे? हमारी टीम वहाँ है। ओहो चोरी की पूरी गैंगा लेके आए। अरे वॉचमैन सुनो, शटर डालो जी। गए काम से, हार गए। पहली बार हम किसी को बकरा नहीं बना पाए। बकरा? कैसा बकरा? टीवी नहीं देखते हो क्या? क्या नाचा दिखा रहे? बताता हूँ, खी टीवी, पी टीवी, खा टीवी, डकार टीवी मिलकर एक रियलिटी शो स्पॉन्सर कर रहे हैं। एकदम नया कॉन्सेप्ट है, बकरा बनाओ और इनाम ले जाओ। इस इलाके के सारे दुकानदारों को हमने बकरा बनाया है। बोलना। अरे मियाँ शूटिंग में कैमरा लगता ना, कैमरा किधर है? अरे रे रे रे, हम कैमरे को छुपा कर रखते हैं ताकि उन्हें कोई देख न ले। वो देखो वहाँ सामने। क्योंकि आप इस शो के विनर हैं, इसलिए आपको रात को पहनने के लिए मिलता है ये हगीज का पैकेट। पहन लो। तू कहाँ चला? सर को तू भी गिफ्ट देना। दे। हाँ दे दे, वो भी चलेगा। ये किसने स्पॉन्सर किया? हिट हिट। जब भी रात को खुजली होगी तो समझना आसपास मच्छर है, ये काम आएगा। ये क्या, मेरा बाल मेरे कुछ गिफ्ट कर रही? अरे सर ये सब तो शूटिंग के लिए, असली गिफ्ट तो सामने वाली वैन में है। सर आप फर्स्ट प्राइज जीते ना, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हम दोनों के लिए बकरा बनाया गाना गाए ताकि हम टेलीकास्ट कर सकें। रेडी? मुझे तो नहीं पता ही नहीं। अरे मियां ये प्रोग्राम कौन सी चैनल पे दिखाएंगे जी? पहले ये डिस्कवरी पर आएगा, उसके बाद नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर 3 बार रिपीट। ओके सर, हमें औरों को भी बकरा बनाना है, आप वहाँ वैन में जाकर गिफ्ट ले लीजिएगा। ठीक है चल भाई, और भी तो काम है आप उनको, इस बकरे का तो कीमा बनने वाला है। आ जाओ। टोपी भी लगा के चले गए। थैंक यू सर मेरी जान बचाने के लिए। नो प्रॉब्लम। एक मिनट के लिए तो मुझे भी लगा कि ये रियलिटी शो है। ऐसा क्या? सर एक छोटा सा डाउट है। तो क्लियर कर। आपने मेरी मदद क्यों की? तू भी झोलझाल कंपनी से ना, मैं तेरा सीनियर, तू मेरा जूनियर। झोलझाल कंपनी क्या है? टोपी पहनाने वाली कंपनी यार। 1000 रुपए के लिए इतना बड़ा रिस्क उठाने की क्या जरूरत? 1000 रुपए का रिस्क? आप तो अंतर्यामी है। मुझे ये भी पता है कि तूने जो आज ट्रिक की ना वो दोबारा नहीं करेगा। सर मैं इसमें नया हूँ ना। मैं तो पैदा ही प्रोफेशनल हुआ हूँ। आप प्रोफेशनल है? नहीं डेंटिस्ट हूँ। काली फोकट दिमाग चाटे जा रहे हैं। डेंटिस्ट? सर सर डेंटिस्ट से आपका क्या मतलब है? क्यों चाट रहा है? आज मैंने तेरी बचाई, कल तू मेरी बचाना। अब तू अपना रास्ता नाप और मुझे मेरा रास्ता नापने दे। सर मैं एक बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए ना। अरे प्रॉब्लम है तो मंदिर में जाना, मेरे सामने घंटा क्यों बजाए जा रहे तू? मुझे मेरे पिता को बचाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ हो नहीं पाया, मैंने अपना घर तक भेज दिया। आखिर में मेरे दिमाग में फ्रॉड से ही पैसा कमाने का ख्याल है। अच्छा क्या हुआ तेरे पिता को, हार्ट अटैक? नहीं सर। अच्छा अच्छा कैंसर? नहीं नहीं सर। अबे साले एड्स तो नहीं था? नहीं सर, मेरे पिता चीटिंग के झूठे केस के इल्जाम में
जेल में बंद है। क्या बोल रहा है, चीटिंग केस? ये तो गुनाह है यार। उन्होंने लोगों को उल्लू बना के माल कमाने का सोचा और सीधे जेल चले गए। मैं क्या चीटरों का लॉयर लगता हूँ तुझे? चल फुट। नहीं नहीं, मेरे पिता ने किसी को चीट नहीं किया है, उन्हें किसी ने चीट किया है। मुझे बस पैसा भर के उन्हें किसी तरह छुड़ाना है। हाँ तो दरअसल मैं, हाँ बोलना, मैं आपसे ये हुनर सीखना चाहता हूँ। हुनर सीखेगा? मैंने क्या फुकट की धर्मशाला खोल के रखी है जो कोई भी मुंह उठा के आएगा और मैं उसको सिखाऊंगा? चल चल चल, धंधे के टाइम पे खोटी मत कर। मैं आपसे इसलिए नहीं सीखना चाहता क्योंकि आपने आज मुझे बचाया। मेरी मदद करने के चक्कर में आपने भी तो हाथ साफ कर लिया। आपने भी तो उसकी जेब से 1000 का बंडल निकाल लिया था। अच्छा, चील की आंखें हैं क्या तेरी? आपकी यही बात तो मुझे पसंद आई। आपने पलक झपकते ही माल को यहाँ से वहां कर दिया। आपसे मैंने आज जो सीखा है वो कमाल था। मुझे बचाने के अलावा जिस तरह आपने हालात को संभाला, मैं उसका फैन हो गया। मुझे लगता है कि अगर मैं आपके साथ रहा तो मेरी प्रॉब्लम हल हो जाएगी और पैसों का इंतजाम हो जाएगा। प्लीज सर, मुझे एक मौका दे दीजिए। सॉरी, तेरी दाल नहीं गलेगी। सर सर, मेरी बात तो सही पड़ गया, हद हो गई यार। प्लीज सर, प्लीज। हाय, ओए, व्हाट्स ओए? अबे जैसे हाय होता है ना वैसे ही ओए होता है। तुम यहीं रहता है? क्यों, तुम चांद पे रहते हो? आई एम फ्रॉम यूएसए। वही ना जहाँ वो समुद्र में औरत खड़ी रहती है। ये एलियंस अपार्टमेंट कहाँ? एलियंस अपार्टमेंट वो बाजू में। प्रॉब्लम वाले बोलते नहीं, चुप कर। सॉरी, सॉरी। कल के लिए भी सॉरी बचा के रख। नाम क्या तेरा? प्रसाद उर्फ पैडी। और ये गुलाबों का? समांथा। और चुन्नू मुन्नू का? माइकल एंड जैक्सन। हम जॉनसन एंड जॉनसन। ओह, नाइस टू मीट यू। वेलकम वेलकम। तुम इतना क्वेश्चन क्यों पूछता है? हम भी एलियंस अपार्टमेंट में रहता है ना, आपका कौन रहता है? मेरा मदर। फादर? वो बेवड़ा था, एक दिन उसका बॉडी गटर में मिला। ओहो, मदर का नाम? मैरी। फ्लोर? थर्ड फ्लोर। वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशन। मेरे फादर भी फोर्थ फ्लोर पे रहते हैं, इसीलिए तेरी मेरी शक्ल इतनी मिल रही है। Let's go, Dad. Okay, Michael. अंग्रेज चले गए, बच्चे छोड़ गए। मैं बताता हूँ एड्रेस। ड्राइवर सुनो, देख यहाँ से सीधा जाएगा ना तो एक टेढ़ा रास्ता आएगा, वहाँ पर चौरसिया की पान की दुकान है। क्या चूना लगाता है वो। बस वहाँ से राइट लेके यू टर्न लेगा ना तो एक बिजली का खंबा दिखेगा, बस वहीं पर कुत्ता मूत रहा होगा। समझ गया सब। भूतनी के समझ गया तो इस गेहूं की बोरी को लेकर जाना। See you. Very soon, cheat you. Thank you. Okay, bye. टाटा बिरला रिलायंस। झूठ क्यों बोला? एलियंस अपार्टमेंट तो यहाँ पास में है। पहले था क्या? चौंक मत, उस अपार्टमेंट पर अपनी नजर पड़ गई है। और वैसे भी मेरा नाम जॉनसन नहीं, चंदू है। ओह, आई एम रवि। ओह, माँ ने क्या नाम रखा है। अब तो बताओ तुमने झूठ क्यों बोला? तुझे कुछ दिखाना है क्या? तुझे मेरी टीम में शामिल होना था ना। चल देखते हैं तेरे में कितना दम है। थैंक यू चंदू, पहले टेस्ट में तो पास हो। सुनो वॉचमैन, किससे मिलना है भाई? वो 304 वाली मैरी मैडम से। दो मिनट रुक जाओ। मैडम, वॉचमैन बोल रहा हूँ, आपसे कोई मिलने आया है। बात कराओ। ठीक है मैडम, पहले आप फोन पे बात कर लीजिए। मैं बात करता हूँ। वॉचमैन, कौन सी एजेंसी से हो? नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। तुम तो बैंक और बिल्डिंग वाले वॉचमैन से अलग हो। पहले बॉडीगार्ड था। तभी तो मैं सोचूं, क्या स्टाइल है, क्या शोल्डर्स है, और ये सिक्स पैक्स तो किसकी बॉडीगार्ड कर रहे थे? भाई की। हा? सलमान भाई। तब तो तुमने कटरीना को भी देखा होगा। आप जैसा बॉडीगार्ड इस बिल्डिंग की बॉडी को गार्ड करेगा तो लोग चैन की नींद सोएंगे। हेलो मॉम, मैं प्रसाद बोल रहा हूँ। प्रसाद, तुम पहुँच गए बेटा? जस्ट रीच। तो ऊपर आओ। ऊपर आने से पहले मुझे टैक्सी वाले को उसके पैसे देने हैं। मॉम, दे दो ना। वो डॉलर्स नहीं ले रहा है। प्रसाद, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? सर्दी हो गई है मॉम। अचानक कैसे? इंडियन वेदर। अरे रे रे। मुझे, सामंथा, माइकल और जैक्सन सबको सबको एक साथ। लिसन, मैं ड्राइवर को पैसे लेने ऊपर भेज रहा हूँ, उसे पैसे दे दो। कितने पैसे देने हैं? 5000। ठीक है, उसे ऊपर भेज दो। लव यू मॉम। मैंने फिर उसे। अच्छा, मैडम ने तुम्हें ऊपर बुलाया? हाँ, पहले मैं पूछ के आता हूँ। वो 5000 रुपए देके जाके ले। तू तो चीटरों का बाप निकला। तुम जा सकते हो। कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी से हो? नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। अच्छा, पर तुम उन वॉचमैन से अलग हो जिन्हें हम बैंक्स या बिल्डिंग्स में देखते हैं। बॉडीगार्ड था। देखने से लगता है आपके शोल्डर। ग्रेट सर, अगर आप जैसा एक्स बॉडीगार्ड इस बिल्डिंग की बॉडी को गार्ड करेगा तो सब चैन की नींद सो सकते हैं। 4, 4:30, 5। ओके रवि, डन। चलो ध्यान से देखिए इस बॉडीगार्ड को। ऑल द बेस्ट गार्ड। चल वॉचमैन टेस्ट में तू पास हो गया। मैं तुम्हारे टेस्ट में तो पास हो गया, तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहा तो अपने टारगेट तक जरूर पहुंचाऊंगा। कितने पैसे चाहिए तुझे? 15 लाख, मेरे पिता को बेल पर छुड़ाने के लिए। 15 लाख? हाँ। ओ तेरी, फिलहाल कितने तेरे पास? यही कुछ 5 लाख। 5 लाख कैश है? हाँ। फिर क्यों टेंशन ले रहा है यार तू? सुन, एक स्कीम है जो 5 लाख को 10 लाख कर देगा, वो भी एक हफ्ते में, मेरी गारंटी। नहीं नहीं चंदू, वो 5 लाख मुझे अपनी माँ और बहन के गहने गिरवी रख के मिले हैं। तूने सुना नहीं क्या, मैं 5 लाख का 10 लाख बना दूंगा, सुपर स्कीम है। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता।
बेटा रिस्क नहीं लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है। खैर मेरा काम था तुझे समझाना, तेरे पास पैसा है तेरी मर्जी, मुझे क्या, ये सब छोड़ चल अपने ऑफिस चलते। तुम्हारा ऑफिस भी है? हाँ है। ये चैनल वाले इंटरव्यू के लिए पीछे ही पड़े रहते हैं, मुझे बात नहीं करना है। क्या चटो भाई, क्या हाल है? मजे में। तबियत ठीक ना? ठीक है। हेलो मिस्टर प्यारेलाल, ये रहा आप उनका हिसाब 500 रुपया। यही मेरा ऑफिस है। तुम्हारी बहन का फोन आया था। क्या कहा तुमने? तुम यहाँ नहीं हो, उसने कहा कुछ अर्जेंट काम है। प्यारेलाल अब फोन आया तो कहना बाहर गया हूँ। तुम्हारे लिए अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। दुकान के नंबर की जगह तुम अपना नंबर क्यों नहीं देते? नहीं, दो स्पेशल चाय पानी कम। आ जा रवि। तुम्हारी बहन को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बहन ही प्रॉब्लम है। तुमसे बड़ी है या छोटी? उम्र में तो छोटी है लेकिन अक्ल में बहुत बड़ी है। उसने माँ को बहुत परेशान कर रखा है। माँ मैंने दोपहर और रात का खाना बना दिया है, अपनी दवाई लेना मत भूलना। मैं ऑफिस जा रही हूँ। घर की बेटी बाहर जाए मुझे पसंद नहीं। अगर ये बेटी बाहर नहीं गई ना तो घर के लोग भूखे मर जाएंगे। हम पर इतना एहसान करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी वजह से ही चंदू ने घर छोड़ दिया। वो छोटे भाई को खुश नहीं देख सकती। यहाँ मैं इतनी मेहनत करके घर चला रही हूँ और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, शर्म नहीं आती? लाइन चालू रखो, मैं फोन देता हूँ। अच्छा ये बात है? हाँ और क्या। अरे वाह क्या मस्त गाना बज रहा है। अरे मिस्टर प्यारे यार, ये कौन सी फिल्म का गाना बज रहा है? बोला ना टाइम नहीं है, कट दूंगा फोन। तुम्हारी बहन का फोन आया है। मैंने कहा था ना कहना मैं नहीं हूँ। मैंने कहा ना कि अब मैं तुम्हारे लिए झूठ नहीं बोलूंगा। आया हरिश्चंद्र की औलाद, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मैंने कहा ना ये फैसला सीधा कोर्ट में होगा। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही चाहती हूँ। तो फिर मुझे क्यों फोन किया? तुम अभी के अभी मेरे ऑफिस आ जाओ। नहीं आना। और क्यों आऊँ मैं तुम्हारे ऑफिस? कमलाकर किशन नाम का कोई आदमी सीरियस है, तुम उन्हें काका कहते हो। वो यहाँ होटल में है, तुम जल्द से जल्द आकर उन्हें लेकर जाओ। काका वो वहाँ क्यों गया था और ऐसा क्या सीरियस है? और अगर सीरियस है तो मुझे क्यों मिलना चाहता है? वहाँ जाके देखना ही पड़ेगा। चल रवि। हेलो पटवर्धन पटेल। सर, वी आर कॉलिंग फ्रॉम ICICI बैंक, वी आर इशूइंग पर्सनल लोन्स। क्या बात कर रही हो, कहाँ पर? बैंक में कुछ लोचा हो गया है, बात करो। हेलो, वी आर इशूइंग पर्सनल लोन्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड। बैंक में डकैती हो रही है? कौन सा बैंक, कहाँ? कोई डकैती वकैती नहीं हो रही है, वो लोन देने की बात कर रही थी। लाइसेंस? लाइसेंस नहीं होता, साइलेंस होता है। हम सेम बैच के हैं लेकिन तुम ऑफिसर को रिश्वत देकर इंस्पेक्टर बन गए। ड्यूटी के वक्त डेडिकेशन मत करो। फिर से गलत वर्ड, डेडिकेशन नहीं डिस्कशन। गांडो थई गयो। नमस्कार साहब, मैं इस दुकान का मालिक हूं। सैडिस्ट कहाँ है? सैडिस्ट? हां सैडिस्ट नहीं सर, आर्टिस्ट। जानता जानता हूं, कहाँ है? उधर ही बैठा। मी फॉलो। सर गुड मॉर्निंग सर। ये स्केच बनाने की क्या जरूरत थी, दुकान में सीसीटीवी तो लगे हैं, उसमें ही देख लेते हैं। वो जरा खराब हो गई जी। बिल नहीं भरा था क्या? इधर ला। ये स्केच से तो लगता है कि ये लेडी जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट नहीं सर, टेररिस्ट। ये ड्राइंग वाली की आंखें बाजू वाली से मैच कर रही हैं। अरे यही तो है, फिर लफड़ा किस बात का, गिरफ्तार करो। नहीं नहीं सर, आप काफी लेट आए ना, तो मैंने सोचा मैडम के साथ थोड़ा टाइम पास ही कर लूं। इनका फेस काफी फोटोजेनिक है सर। ड्यूटी के वक्त थरकी गिरी का पहला। मैडम। यस सर। ये देखो यही है ना? चेहरा तो सेम है लेकिन दांत थोड़े बड़े बना दिए सर। लेकिन दिखने में तो ऐसा ही है ना। बेस्ट। बेस्ट नहीं, नेक्स्ट कहो। गांडो थई गयो। हां नेक्स्ट। या लो। हाँ मैडम ये देखो अच्छे से। ये भी दिखने में वैसा ही है सर लेकिन नाक थोड़ी बड़ी है। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं सर, गुड बाय। सर एक छोटा सा डाउट है, इन टेररिस्ट की तलाश आखिर हम शुरू कहाँ से करें? कौन सा पनवा खाइएगा? वही जो मैं रोज खाता हूँ। यही तो पूछ रहे, कौन सा पनवा खाते हैं? वही हमेशा वाला। अरे बिना बताए कैसे बनाएंगे पान? वही पान जिसे खाकर मुझे अच्छा पान सूझे। उसे पान नहीं कहते, प्लान कहते हैं। गांडो थई गयो। बोलो भाई पैसे कितने हुए? स्पेशल पान 25 रुपए। ऐसे तो सर फोकट में खाओगे क्या? क्या है रे? पुलिस। पुलिस कहाँ? वाह। वैसे सर टेररिस्ट सड़क पे नहीं मिलते। चल कल्टी मार, कल्टी मार। अचानक टपक पड़ते हैं। ऐसा क्या रुक जाओ। मेरा नाम है पटवर्धन पटेल, मैं एक स्पेशल ऑफिसर हूँ, मैं एक स्पेशल केस को इंस्ट्रूमेंट करने आया हूँ। दोनों तरफ पिछवाड़ा। मेरा नाम है पटवर्धन पटेल, मैं एक स्पेशल ऑफिसर हूँ, मैं एक स्पेशल केस को इंस्ट्रूमेंट करने आया हूँ और तुम दोनों से सवाल पूछूंगा। पटवर्धन पटेल से चालाकी। मेरा नाम है पटवर्धन पटेल, मैं एक स्पेशल ऑफिसर हूँ और मैं एक स्पेशल केस को इंस्ट्रूमेंट करने आया हूँ, अब मैं तुम दोनों से सवाल पूछूंगा। तुम्हें लगा मैं वहां चले जाऊंगा ना? आई स्टैंडिंग देयर ओनली। ओ तेरी, इन दोनों थोपड़ों को कहीं देखा लगता है।
ओ ये तो चीटिंग है। ये दूसरा वाला है, ये वाला नहीं। मुझे डिस्टर्ब मत करो। यू खूनी अंगूठा छाप, मैं जरूरी काम में लगाऊं। ये तो मैच नहीं हो रहा। नो चीटिंग। ये दोनों वही है। अलग है। तुम्हें लगता है तुम बहुत इडियट हो, लेकिन तुम इंटेलिजेंट हो, जूनियर कहीं का। इस फोटो के साथ तुम्हारा चेहरा कैच नहीं हो रहा है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। तुम जाओ ना। ओके। इतनी दूर क्यों खड़ा है यादव? सबके सामने बार बार कचरा करता है। कितनी बार समझाया मैं तेरा सीनियर हूँ, बता कौन हूँ मैं तेरा? कौन वोन छोड़ो सर, एक मिनट के लिए मौन धारण करके ध्यान से सुनो। ये दोनों वही थे जिनका स्केच बनाया था। मैंने केस सॉल्व कर दिया, मैंने कितनी अच्छी तरह उनका चेहरा स्केच से कैच किया। अच्छी तरह नहीं, कच्ची तरह बोलो। आपने सही थोपड़े पे गलत स्केच चिपकाया। तो ये तूने पहले क्यों नहीं बताया? अब भला सीनियर जूनियर की क्यों सुनेगा? बात में तो तुम्हें गांडा सही गयो। तो तुम्हारी बहन इतने आलिशान होटल में काम करती है? और नहीं तो क्या? क्या तुम्हारी बहन भी तुम्हारी तरह झोलझाल करने का काम करती है? बहुत सीधी साधी लड़की है, चलो खुद ही देख लो। चलो। ये कमलाकर किशन कौन है? काका, ये एक नंबर का तिगड़मबाज आदमी है। उसे तो कहीं फॉरेन में पैदा होना चाहिए था। उसे कोई भी स्टैम्प पेपर दो, ऐसा डुप्लीकेट बनाएगा कि एकदम ओरिजिनल लगेगा। एक नंबर का चीटरबाज आदमी है। लेकिन वो यहाँ क्यों आया? तुझे नहीं पता, मेरा इंटरव्यू लेने आया गधा कहीं का। तो तुम यहाँ आ ही गए। चलो, तुमने मुझे पहचान तो लिया, थैंक्स। फालतू की बातें नहीं करूंगी, सीधा पॉइंट पर आऊंगी। थैंक्स। मुझे तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है। घबराओ मत, मेरा भी कुछ यही हाल है। वो बुजुर्ग है, अगर तुम उन्हें जल्दी हॉस्पिटल लेके नहीं गए तो वो मर जाएंगे। उन्होंने जिद पकड़ी हुई है कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही जाएंगे, इसीलिए तुम्हें बुलाया। अच्छा, सीधा बोलो ना, तुम्हें तुम्हारे नौकरी की परवाह है? व्हाटएवर, तुम जो चाहे सोच सकते हो। तुम्हें 10 मिनट देती हूँ, उससे ज्यादा एक मिनट भी मत रुकना। अपना प्रवचन बंद करोगी? ये कोई तुम्हारी झोपड़पट्टी नहीं है, 5-स्टार होटल है। देखो तुम, तुम्हारे एक दोस्त को तो वैसे ही मैं झेल रही हूँ, और दूसरे को भी लेकर आ गई। ये मेरा दोस्त है रवि। हाय, आई एम रवि। जितनी जल्दी हो सके उन्हें यहाँ से लेकर निकल जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। ए काका। हाँ चंदू, तू आ गया। पहले ये बताओ बात क्या है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? दरअसल ये कौन है? मेरा नया पार्टनर, घबराओ मत बोलो। रजाक नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अब दुबई में रहता है। दिखाता हूँ। हे अब्दुल रजाक, ये तो बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन है। सही कहा, 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है। काका मुद्दे की बात करो। इस शहर में शारदा कॉलोनी के पास उसकी 5 एकड़ जमीन है, वहाँ वो केमिकल फैक्ट्री शुरू करना चाहता है। उसके बाजू में 500 गज की मेरी बहन की जमीन है। फैक्ट्री शुरू करने के लिए उसे उस जमीन की भी जरूरत पड़ेगी। मेरी बहन से वो कई बार जमीन बेचने के लिए बात कर चुका है, लेकिन मेरे बहनों की याद में वो वहाँ स्मारक बनवाना चाहती है। सीधे पॉइंट पे आओ ना काका। मैंने उस जमीन के ओरिजिनल पेपर्स अपनी बहन से ले लिए हैं, और उनके डुप्लीकेट पेपर्स भी तैयार कर लिए हैं। मैं इन पेपर्स के जरिए रजाक को अपनी बहन की जमीन बेचना चाहता हूँ, लेकिन होटल वालों ने मुझे मिलने ही नहीं दिया। धक्के मारकर मुझे बाहर निकाल दिया और मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मुझे तेरा ख्याल आया। कहानी खत्म, अब बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया हो? रजाक 1 हफ्ते बाद दुबई जाने वाला है, वो 6 महीने बाद वापस आएगा। जल्दी में पेपर्स देखे बिना ही वो पैसे दे देगा। अगर डील हो गई तो 70% मेरे और 30%। हेलो 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 हेलो, काका, किसको कितना परसेंट मिलेगा ये डिसाइड मैं करूंगा, तुमने ये बाद में सोचेंगे। पहले ये बताओ, ये काम करोगे कि नहीं? तुम्हें पता है मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। पता कितना चाहिए? 70%। 70% चाहिए? मेरी शादी में आया है। ए, शादी की उम्र तुम्हारी नहीं मेरी हो चुकी है। मेरे 70% और तुम्हारे 30%। अरे बुड्ढे की जान लेगा क्या?
ठीक है तो मैं रुक, रुक 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 कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज कर। सॉरी। ठीक है, कोई और चारा भी तो नहीं है। और ओरिजिनल पेपर्स मेरे घर जाकर मेरी बीवी से ले लेना। एड्रेस क्या है? बीजेबी अपार्टमेंट्स, फ्लैट नंबर 204। ये वही अपार्टमेंट है जिसके पास वो बड़ा सा गार्डन है? हाँ हाँ वही। एक बात बताइए, इस जमीन की कीमत क्या होगी? 10,000 पर स्क्वायर फीट, यानी 50-60 लाख रुपए। हाँ। मैंने अपनी बहन के नकली सिग्नेचर से पावर ऑफ अटर्नी भी बनाई है, उस पे अपना नाम लिखना। ओके। हेलो, वन मिनट, मैं अभी आया। हाँ ठीक है, सुनो काका। हाँ? जब तक मैं रजा के बारे में सब कुछ अच्छी तरह जान नहीं लेता, मैं ये केस नहीं लूंगा, समझ गए? क्या बे, गलत टाइम पे फोन करता है, क्या हुआ? हेलो हेलो। अरे मैं 5-स्टार होटल के स्विमिंग पूल के बाजू में खड़ा हूँ, तुझे मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो, कौन से कोने में तू? हेलो हेलो, ये अचानक लड़की की आवाज में क्यों बोल रहा है? एक्सक्यूज मी, मैं तेरे को बाद में फोन करता हूँ। ये एक 5-स्टार होटल है, ओके? चिल्ला के बात मत करो, गेस्ट डिस्टर्ब होते हैं। आई एम सो सॉरी मैडम। या क्लीनिंग की रिपोर्ट है, प्लीज साइन कर दीजिए। इस मछली को अपने कांटे में फंसाने के लिए इसका नंबर ले लेता हूँ। थैंक यू। इसे जाकर मैनेजर को दिखा दो। हाय रब्बा, क्या हंसी है, जान ले लेगी मेरी। देखो अच्छे से साफ करना हो। कहीं और जाके मछली पकड़ो। होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। एक्सक्यूज मी, व्हाट? इडियट। एक किस क्या किया, तुम मुझे इडियट कह रही हो? मैं तो 500 बार इडियट बनने के लिए तैयार हूँ। सपने में मारती है? उम्मीद नहीं थी कि मेरी प्रॉब्लम इतनी जल्दी हल हो जाएगी। इस काका ने तो मेरी फूटी हुई किस्मत को चमका दिया। ए, मंदिर आया, हाथ जोड़ो। हे भगवान, मैं इसके साथ काम नहीं करना चाहता, अगर ये रहा ना तो पैसा बांटना पड़ेगा, कुछ भी करो इसको फुटा दो। भगवान से क्या मांग रहे हो चंदू? कुछ नहीं है, वही रजा के बारे में। बहुत खतरनाक आदमी है। वही तो, क्या उसे डायरेक्ट मिलना ठीक रहेगा? अगर हम काका के बताए हुए प्लान पर चले ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तुमने जमीन के सारे पेपर्स तो ले लेना। हाँ, वो मेरे पास है। बेहतर होगा कि हम उसकी 3-4 जेरॉक्स और करवा लें। हाँ, लोग घंटी बज गई, कौन है भाई? चैनल वाले, ये मेरा इंटरव्यू लेकर ही रहेंगे, लेकिन मैं दूंगा तब ना। कितने टाइम में लाइट आएगी? कुछ बोल नहीं सकते साहब। सिर्फ तुम्हारी गई है या पूरे इलाके की गई है? इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? मनजीत सिंह आ गया। मनजीत सिंह आ गया तो नाचूं? सरजीत सिंह का भाई मनजीत सिंह आ गया है। वाह वाह, सिंह में एक और सिंह जुड़ गया है। इस दुकान में सिंह इस किंग आते रहते हैं, जैसे परमजीत सिंह, अमरजीत सिंह, हनी सिंह, जसविंदर सिंह, परमिंदर सिंह, परमिंदर सिंह, कुलदीप सिंह, कुलवीर सिंह, बलवीर सिंह, तलवीर सिंह, सरबजीत सिंह, बल्लू सिंह, बंटी सिंह। आज यहाँ आया है मनजीत सिंह। ऐसा क्या, कल भी यहाँ कई सिंह आए थे, नाम बताओ क्या? अमरिंदर, किरिंदर, सुरिंदर, मनमिंदर, मनमीत, गुरमीत, कुलमीत, परमीत, हरमीत, खुशवंत, बलवंत, तलवंत, महिंदर। मनमोहन भी था लेकिन कुछ बोला नहीं। मैं मनजीत सिंह हूँ। इतना चिल्लाओ मत, तुम्हारे पेट में सुसु हो जाएगा। भाई 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 जाने दो भाई, माफ कर दो इसे, नया नया छोकरा है, गलती हो गई। साले पहचानता नहीं? सरजीत सिंह के भाई हैं ये, मनजीत सिंह, दोबारा गलती मत करना भाई। हफ्ता हो गया। अब एक न्यूज़पेपर। पैसे ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों है ना? हाँ दोनों ही। अच्छा दिखा, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। किस अंधे ने मुझे ठोकर मारी? सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। सॉरी सर, आंखें हैं या कॉटन? आपको चोट तो नहीं लगी ना? मनजीत सिंह से टक्कर? सॉरी सर, आपके पैसे। वैसे तो ये पैसे आपके हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि आपको इसे चोर उचकों से बचाने के लिए बीच वाले पॉकेट में संभाल कर रखना पड़ेगा। मतलब कैसे? मतलब लाइए पहले कवर मुझे दे दीजिए। सिर्फ इतना ही पैसा है या और भी है? यहाँ भी थोड़े हैं, मेहनत की कमाई, ये ले भाई। ठीक है, पहले पैसे को पेपर में ऐसे बंद कर देते हैं। जब लेडीज पैसों को चोरों से बचाने के लिए यहाँ रख सकती है, तो हम जेंट्स यहाँ मिडल पॉकेट में क्यों नहीं रख सकते? एक गिड़गिड़ी, एक गिड़गिड़ी, एक गिड़गिड़ी, एक गिड़गिड़ी, गिड़गिड़ी। देखा देखा मैंने कैसे किया, देखा? इस तरह मिडल पॉकेट में रखने से ये सेफ रहेगा। अरे 20 साल पहले की पैंट पहनी है क्या? अरे हजमत, अरे सीधे खड़े रहे भाई। चलो एक बार चेक करो, गिड़गिड़ी साउंड के साथ। गिड़गिड़ी, 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 गिड़गिड़ी,
ये अपना फोन भी ले जाओ। दिस वे मंजीत सिंह जी। शाम तक ऐसे ही करते रहे। पता नहीं था कि तुम दिल के भी इतने अच्छे हो। लोगों की मदद करने से पुण्य मिलता है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। ये मंजीत सिंह अभी तक अपने गैंग को लेकर आया क्यों नहीं? आए, मैं बताता हूँ वो किधर है। कौन है जिसने मेरे भाई मंजीत को चूना लगाया? उसका दोस्त। ये फोन क्यों नहीं उठा रही? अरे वाह, अब इस बेचारे की हड्डियों का कीमा बनने वाला है। यस। सुनिए, ये विजय भी अपार्टमेंट्स कहाँ है? यही है। यही है? अरे वाह, थैंक्स। ये आवाज तो सुनी हुई लग रही है। रवि, तुम कहाँ चले गए थे? जानते हो मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। मैं जानता था तुम्हें ये एड्रेस अच्छी तरह पता है, इसलिए मैं यहीं चला है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने मंजीत सिंह के पैसे चुराए? वो मुझे मारने आए थे। काय का मंजीत सिंह? शक्ल से जितना बड़ा जोकर दिखता है ना, अगले से उतना ही बड़ा गधा है। कोई उल्लू को उल्लू बना सकता है क्या? एक गिड़ी 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 कहाँ है वो? तुम्हारे पीछे। क्या कमीने, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? उन लोग को यहाँ क्यों लाया? मैं उन्हें यहाँ नहीं लाया, वो मुझे लाए। अगर तुम उन्हें उनका पैसा देकर सॉरी बोल दो तो वो चले जाएंगे। मैं अपने 10,000 रख के बाकी के दे दूंगा। ये ना समझता है, मैं पूरा लूंगा। शादी में आया क्या? यार पैसे देकर मामला खत्म कर दो ना। नहीं दूंगा। ए, तू क्या, तेरे अच्छे अच्छे भी पैसे देंगे? मंजीत का पैसा खाने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता? परमजीत, इन दोनों का गेम बजा। ये सन्नाटा तो क्या फाइटिंग कर रहा है? एक गिड़गिड़ी गिड़गिड़ी एक गिड़गिड़ी। ब्रूसली का भाई चूसली। ओ, कुंग फू हासल। आया जा। कमलजीत भाई, सुरजीत बोल रहा हूँ। हमारे बंदों की कोई धुलाई कर रहा है। सारे आदमी को लेकर जल्दी बीजेपी अपार्टमेंट के पास आ जाओ। ए! मंजीत सिंह, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, वो दोनों कहाँ हैं? हाँ, वो ब्रूसली और जैकी चैन की औलाद कहाँ चले गए? पैसे तो मिले नहीं और मार भी। हवलदार, सबको अरेस्ट कर लो। लेके जाओ, लेके जाओ। साले, छोड़ूंगा नहीं तुझे। साले, खाओ खुजाओ, बत्ती बुझाओ,
भगवान को गाली देता है, चल साले अंदर। मेरे खातिर क्या फाइटिंग की तूने? तुम्हारी खातिर नहीं, अपने पिता को जेल से छुड़ाना है इसलिए। ओ तेरी। लेकिन काका की प्रॉपर्टी के लिए तुमने मुझे धोखा दिया, गलत किया। काका मेरे दोस्त हैं और इस डील में मुझे तीसरे आदमी की कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताया? अगली बार SMS कर दूंगा। मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी? सुन, मुझे तुझसे इस डील में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। तू? अचानक मैं तुमसे तू बन गया? ऐसे ही मुंह से निकल गया। अच्छा ये बात है, निकल गया तो ठीक है, मेरे मुंह से भी आगे कुछ भी निकल सकता है। ये रहा फ्लैट नंबर 204, चल ना, चल ना, चल के घंटी बजाते हैं, चल। अरे बजाना घंटी। नमस्ते मैडम। क्या चाहिए? कमलाकर किशन जी? नहीं है। दरवाजा बंद कर दिया। शायद उसने ठीक से सुना नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। नमस्ते, हमें कमलाकर किशन बोला ना? नहीं है। पागल हो रहे थे, दरवाजा बंद कर देती। सुन सुन सुन, इस बार तू मुझे बात करने दे। देखिए हम जानते हैं कि कमलाकर जी घर पर नहीं है। जानते हो तो पूछते क्यों? अब बार बार दरवाजा क्यों बंद कर रही है? क्योंकि तो गुंडा मवाली लगता है, शक्ल से चोर दिखता है, उल्लू का पट्टा। ये ज़बान संभाल के बात कीजिए। अच्छा जी, एक तो अबला नारी से घर पे अकेले मिलने आते हो, ऊपर से दादागिरी करते हो। जल्दी से यहाँ से फूट जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। सॉरी मैडम, अगर हमने कुछ गलत कह दिया तो माफ कर दीजिए, हम तो बस अपने कुछ जरूरी पेपर्स लेने आए थे। चलो भाई, मैं दादाजी को बता दूंगा, आखिर हम भी कलाकार खानदान से हैं, हमें इज्जत नहीं गंवानी चाहिए। चल रुक जाओ, तुम नहीं वो दूसरा वाला। बोलिए मैडम। तुम किस कलाकार के खानदान से हो, बताओ ना। जी हाँ, मैं हुसैन खानदान का चिराग हूँ। पेंटिंग्स का और हमारा बरसों का नाता है, हमने न जाने कितनी मशहूर पेंटिंग्स बनाई हैं। मेरे दादा का नाम है MF हुसैन, वो यहीं महाराष्ट्र के थे और कुछ साल पहले ही गुजरे हैं। उन्हीं से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स काका जी के पास पड़े हुए थे, मुझे वो चाहिए थे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम FM हुसैन है। वो कौन है? मेरे जीजा है जाकिर हुसैन, कभी कभी तबला बजा लेते हैं। तुम हुसैन खानदान से हो? मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, मैं सद्दाम हुसैन का छोटा बेटा हूँ और मेरे पिता MF हुसैन के बड़े बेटे हैं, और मेरे जीजा उस हुसैन खानदान के वारिस हैं जिन्होंने बाजा बजा के लोगों की बजा डाली। मैं भी एक छोटी मोटी पेंटर हूँ, तुम्हारे दादा MF हुसैन मेरे रोल मॉडल हैं। आई लव पेंटिंग, यू नो। हाउ कैन आई नो? एक मिनट मैडम, मैं अपने जीजा को बता देता हूँ कि आप भी पेंटर हैं, उन्हें सुनके अच्छा लगेगा। उनका नाम सद्दाम हुसैन है ना? वो मेरे पिता का नाम है। तो फिर उनका नाम हुसैन है? हाँ, उनका नाम जाकिर हुसैन है। हाँ, तो FM हुसैन? ये मेरा नाम है। तबला हुसैन? अब वो तो हम उसे प्यार से बुलाते हैं, असली नाम है जाकिर हुसैन। मैं अभी आया मैडम, मैं उसे आपके टैलेंट के बारे में बता के आता हूँ। सर फिर औरत ने क्या कहा? मैंने कहा था ना कि मुझे इस डील में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन अब अगर तुम्हें जमीन के पेपर चाहिए तो वो सिर्फ मैं ला सकता हूँ, इसलिए डील होगी 70-30। मुझे मंजूर नहीं। हाँ तो ठीक है, खुद ही जाओ और पेपर्स ले लो। ये कुछ ज्यादा नहीं है? देखो मेरे बिना ये नहीं होने वाला, इसलिए मेरी बात मान लो। क्या 70-30? एकदम ठीक कह रहा है। यस 70-30, लेकिन फर्क ये है कि 70 तेरे और 30 मेरे। क्या? मैं तेरी तेरे नहीं हूं, मैं हूं। सुनो हुसैन, ये रहे पेपर्स। थैंक यू मैडम। मॉल में आने की क्या जरूरत है, पैसे आ जाने दे फिर महंगे कपड़े ले लेंगे। पैसे चाहिए तो महंगे कपड़े लेने होंगे, हमारी आज सुबह रजाक से होटल में मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अब हम उसे करीब से मिलने वाले, इसलिए अगर हमारा गेटअप अच्छा हुआ तो वो जल्दी मान जाएगा। वैसे इन कपड़ों में हम लोग बहुत जच रहे हैं। ऑटो? एक मिनट, हम ऑटो से नहीं जाएंगे, पैदल चल के जाएंगे तो कल सुबह। तुम बस देखते जाओ। रवि, कहाँ चला गया था तू? अचानक ये गले में आई कार्ड क्यों लटका लिया है? ए रवि, लफड़ा गया है? वेलकम सर। हेलो। हेलो वामन राव, विठल राव कदम बोल रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठाता? अरे बिजी था। अभी बिजी हो गया? पैसे लेने थे तब तो बड़ी फुर्सत में था। कौन बोल रहा है? आवाज भी नहीं पहचानता, इतनी जल्दी भूल गया क्यों रे? मेरे प्यारे बंधु, जल्दी से मेरे 1,00,000 रुपए लौटा दे, और वो भी ब्याज के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार, वो मेरे पैसे हैं। नमस्ते सर। नमस्कार बोला ना, क्या चाहिए? अरे मुझे नहीं, मुझे पहले पार्किंग सर। अच्छा, पार्किंग के पैसे मांग रहे हो? आज तक किसी ने मुझसे पार्किंग के पैसे नहीं मांगे। नहीं सर। हाँ, मैं मॉल का आदमी हूँ, मैं फ्री में आपकी गाड़ी पार्क कर दूँगा। फ्री में? ये फैसिलिटी बढ़िया है। हाँ ले जाओ ले जाओ, पैसे देके खुद ही मांगता। अरे तेरे इन वादों से मैं परेशान हो गया हूँ,
कल अगर मुझे मेरे पैसे ब्याज के साथ नहीं मिले तो मैं ब्याज पे भी ब्याज लगा दूंगा। हाँ। ए, रवि, रवि। कार का आइडिया एकदम अफलातून था, पढ़ाई लिखाई करने का फायदा तो होता ही है ना। हाँ, और ना करने का नुकसान भी है। एकदम करेक्ट। मैं इन पेपर्स को गाड़ी के डैशबोर्ड में रख देता हूँ। ओहो, गाड़ी का मालिक दिलीप कुमार का फैन लगता है, कितनी फोटो से देखो। अमिताभ भी तो दिलीप कुमार के फैन है। लेकिन मैं अमिताभ का फैन हूँ। ये मंजीत सिंह का गैंग है? नहीं, सावित्री, गोची सावित्री गैंग। गोची सावित्री कहाँ रहती है? रहती नहीं, रहता है। सॉरी भाई, मैंने आपसे पैसे लिए लेकिन मैं उन्हें लौटा नहीं पाया। मैं जल्दी एक एक पाई लौटा दूंगा, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। सजा? कैसी सजा? ये कहाँ ले आया यार तू? समझ गया, भाई का कहा तुमने सुना नहीं, इसलिए सजा तुम्हारे कानों को मिलेगी। मेरे कानों को? ए, इसके दोनों कान काट डालो। प्लीज मेरे कान मत काटो, मैं जीते जी अंधा हो जाऊंगा। कान काटने पर तुम मंदे कैसे हो जाओगे? कान ही नहीं बचेंगे तो चश्मा कैसे पहनूंगा? बिल्कुल ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा ना भाई। सॉरी भाई। ए, इसके दोनों कान काट डालो। कुछ और काट लो, मैं कटवा दूंगा। नमस्ते सावित्री भाई। क्या रे, बहुत शाना बन रहा क्या? पैसे लेके देने का नाम नहीं ले रहा है, भाई के पैसे खाएगा क्या? उसका तो बकायदा हर महीने इंटरेस्ट चुकाता हूँ ना। उल्लू बना रहा है, दो महीने से कोई इंटरेस्ट नहीं दिया है। ओ, तीन महीने से। ये क्या बोल रहा है? अच्छा, बाद में सब कुछ बता दूंगा, अभी कुछ बोला ना तो लोचा हो जाएगा। अबे ओए, भाई तेरे साथ सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और तू लंबू के साथ टाइम पास कर रहा है? नहीं, टाइम पास नहीं, बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ। अबे ओए, बहुत हो गई होशियारी, अगर भाई का दिमाग हट गया ना तो तुम दोनों की बैंड बज जाएगी। मैं एक शब्द और नहीं कहूंगा। क्या मतलब? मैं एक शब्द और नहीं कहूंगा। मतलब? ये नामुमकिन है। अरे बोलना। दिखाऊं क्या? बहुत हो गया। दिखाई देता हूं। दिलीप, दिलीप कुमार, दोनों को मैच कर लो। दिलीप कुमार दिखने में इनकी तरह नहीं लगता। ए, जरा सारो पढ़ो, नीचे लो, थोड़ा राइट, मुंह में उंगली डालो, बिल्कुल दिलीप कुमार ऐसा लगता है। दिलीप कुमार अन्ना का परफेक्ट कॉपी है ना? सही गाना भाई, थैंक यू बोल रहे हैं। तू वेलकम बोल। वेलकम। ओए चंदू, भाई पूछ रहे हैं पैसा कब देगा। अब दो दिन में आपके सारे पैसे लौटा दूंगा भाई। इस बार कुछ ज्यादा ही क्लास बजा डाला, इस बार ट्रांसलेशन में एक जमाना लग जाएगा। एक काम करते हैं, आज लंच यहीं करके जाते हैं। भाई ने और टाइम दे दिया है। ओके भाई, चलता हूँ। इतनी सी बात के लिए इतनी देर तक क्लास बजा रहा था? बिल्कुल आप जैसा दिखता है भाई। दिलीप भाई, जानते हैं ये गाना अमिताभ की किस पिक्चर का है? भाई सिर्फ दिलीप कुमार की फिल्म देखते हैं। ये गाना दिलीप कुमार की पिक्चर का है। हाँ सर, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ टेररिस्ट श्रीनिवास नगर के साई दुर्गा अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 705 में ठहरे हैं। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। मुझे भी यही रिपोर्ट मिली है सर, मैं अभी वहीं जा रहा हूँ सर। रंगे हाथ पकड़ना है। ओके सर, समझो काम हो गया। जो भी पंगा लेगा पटवर्धन पटेल से, उसकी मालिश कर दूंगा मैं बिना तेल के। I know. ये केस आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट वाला डायलॉग आपको नहीं बोलना था, उनको बोलना था। ओके गो। जब मुझे अकेला भेजो तब गो बोलते हैं, साथ में चलते हैं तो लेट्स गो बोलते हैं। गांडो थैंक यू, मैं तुमसे आके फील करता हूँ। फील नहीं, डील। हाँ भाई भाई। जो मैं पेपर पढ़ रहा है, मैं पढ़ाता तुझे
पेपर। चल बोल, बाकी का टेररिस्ट का है? बोले तो खोल दूंगा। होटल में छुपे हुए सर। पटेल से कोई बच नहीं पाया आज तक। 705 के टेररिस्ट को मैंने पकड़ लिया है, एम्बुलेंस लेकर आ जाओ। Once more. Stop! Hey, 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 look down! सर, आप वहां क्या कर रहे हैं? कहां गया? ऊपर गया। ऊपर कब गया? जब मुझे देख रहे थे। ओह यस, तुम नीचे जाओ। आप ऊपर जा रहे हैं? जो बोलो वो कर। भागता कहाँ है? कानून के हैंड्स आर वेरी लॉन्ग। बिल्डिंग बना दी, सीढ़ियां नहीं रखी, जंप मार के जाना पड़ता है। अब क्या करो? इसको अंदर डाल, चल। गेट आउटसाइड। जो पंगा लेता है पटवर्धन पटेल से, उसकी कर देता हूँ मैं मालिश बिना तेल के। बिना तेल के कैसे? आग के पास जाओ या आग तुम्हारे पास आए, शेर के पास जाओ या शेर तुम्हारे पास आए, पटेल से पंगा लो या फिर पटेल तुमसे पंगा ले, प्रॉब्लम में तो तुम ही पड़ोगे। आग, शेर या पटेल नहीं। सर आप तो चालाक लोमड़ी है सर। बहुत जल्दी समझ में आया तुझे? पटेल को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सर आप फिल्में नहीं देखते क्या? जब गो एंड स्लीप इन द कार। स्लीप इन द कार नहीं, सेट इन द कार बोलिए। अरे पटेल, हम दोनों सेम बैच के हैं। मैं अन्ना हजारे का फैन था करके कांस्टेबल बना रहा, और तूने सामने वाले के हाथ गरम किए तो तू मेरा सीनियर बन गया। गंडो थे गयो। वो रहा रज़ाक। सर ये फाइल जरा देख लीजिए। किस्मत अच्छी है जो यही मिल गया।
इस जमीन में मैडम जूस, ये जमीन सोने का भाव देगी सर ये। क्या हुआ? सॉरी सर, लगता है माँ से बहुत प्यार करता है। हमारी अम्मी हमारे लिए सब कुछ है, ये बात ध्यान में रखना, दोबारा ऐसा ना हो। वॉशिंग पाउडर से सारी धुलवा दूं? जब तक हम यहाँ पर हैं, सिर्फ तुम ही हमें सर्व करोगे। ओके सर। शर्मा, यस सर, इसे 1000 रुपए निकाल के दे दो। जी सर। थैंक यू सर। पैसों के लिए अगर फिर से ऐसी हरकत की ना तो ये नोट वापस ले लेंगे सर। नहीं। क्यों? ये जाली नोट है। तो आप ही रखिए। शर्मा, ये हमें टिप देने की बात कर रहा है। अम्मा जी, नहीं नहीं अम्मा जी, शांत हो जाइए। बैठ जाओ शर्मा। थैंक्स अम्मा जी। वेटर के शब्द मेरे कानों को अच्छे लगे। वॉशिंग पाउडर से सारी धुलवा दूं? वो अब तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। वॉशिंग पाउडर से सारी धुलवा दूं? वो सुन के मेरे दिमाग में एक बढ़िया कविता आई है शर्मा। जहाँ हो वहीं पर बैठे रहो। वॉशिंग पाउडर शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, खाओ वेजिटेबल कुरमा, घूमने जाओ बर्मा, घूमने जाओ बर्मा। मेरा नाम है वहीदा रहमान, आंखों में लगाया सुरमा, वाह वाह तो करो शर्मा। अम्मा जी, क्या कविता सुनाई है, दिल खुश हो गया। आप सिंगर क्यों नहीं बनी अम्मा जी? लो कर लो बात, साफ साफ कहो ना, वन मोर सुनना है। वन मोर हो गया तो मैं खुशी के मारे नो मोर हो जाऊंगा। वाह 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 शर्मा। पता नहीं यहाँ इतनी सारी पुलिस क्यों आई है। वेटर जरा सुनो तो, यहाँ इतनी सारी पुलिस क्यों आई है? मिनिस्टर शंकर राव होटल में आए हुए हैं। ओके थैंक्स। अब ये मिनिस्टर शंकर राव कौन है? वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मिनिस्टर है, बहुत चालाक खोपड़ी है, दिखने में कॉमेडियन लगता है लेकिन अपने दिमाग से सीएम तक की कुर्सी को हिलाने का दम रखता है। ये रहा मिनिस्टर साहब। हाय रजाक भाई। अरे कितनी बार एक ही फाइल। भाऊ नमस्कार, भाऊ नमस्कार, भाई नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार भाऊ। क्या हाल है शंकर? क्या बोलूं भाऊ, एकदम मस्त। मैंने होम मिनिस्टर मोहन शिंदे के खिलाफ कोर्ट में पीआईएल डाली कि उसके पास कई गैर कानूनी प्रॉपर्टीज है। भाऊ उस पीआईएल ने उसका कचरा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उसकी कुर्सी हिला दी ना, टेंशन के मारे उसकी वाठी लग गई। अब वो मेरे खिलाफ कोई जांच पड़ताल नहीं करेगा। आप जैसे लोग हमारा पेट पालते हैं, आपका हाथ हमारे सर पे है, तब तक नो टेंशन भाऊ। चाय पियोगे? चाय ना को भाऊ, चाय पीने से एसिडिटी होता है। आपके दर्शन हो गए मतलब साक्षात भगवान भेटला। ये इचमुच जैसे मानुष के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। राम राम भाऊ। शंकर। हाँ भाऊ। ठीक है। शंकर, हो भाऊ, उस केमिकल फैक्ट्री के बारे में मैंने तुम लकी। हाय सर। शंकर, हो भाऊ, इस लड़की का नाम लकी है। इसकी तो लक्ष्मी राठौड़ ये सारे मेहमानों की सेवा बड़े दिल से करती है। सिर्फ इसी की वजह से मैं इस होटल में खींचा चला आता हूँ। थैंक यू सर। लकी, और ये हैं? जानती हूँ सर, मिनिस्टर बाबू शंकर राव। धन्यवाद इस होटल के रजाक भाऊ, जो यहाँ ऐसी पोरगी काम करती है। मुझे जरा असेंबली जाने के लिए देर हो रही है, अगर आपकी इजाजत हो तो चलता हूँ भाई। बाय 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 बाय। देखा रवि, सारे मिनिस्टर इसकी चमचागिरी करते हैं, इसका मतलब वो बहुत बड़ी हस्ती है। क्या हम डुप्लीकेट पेपर्स की मदद से रज़ाक को झांसा दे पाएंगे? ए, ये तो बिल्कुल तेरा डुप्ली। रवि रवि रवि, रुक जाओ। Please let me go. I would like to meet Mr. Razak. I have a business proposal. Hmm. Hello, Mr. Razak. I'm Ravi. I have something of your interest. Sharma. Sir, सिर्फ हिंदी में बात करते हैं, no English. Hmm. Sir, शारदा नगर में आपकी जो 5 एकड़ जमीन है। हाँ, वही जमीन जो आपने धमकाकर अय्यर से छीनी थी, जहाँ आप केमिकल फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, वही जमीन। उसके ठीक सामने मेरी 500 गज की जमीन है। न जाने कितनी बार कोशिश की लेकिन उसकी मालकिन मानती नहीं। वैसे भी वो जमीन अशुभ है। मैं अपनी दादी को मना चुका हूँ सर। अगर मैं गलत ना हूँ तो सर, ये मेन एंट्रेंस वाली जमीन की बात कर रहा है ना? उस जमीन की दिशा सही नहीं है सर, वास्तु के हिसाब से पनौती है। पता नहीं ये लोग वहाँ रहते कैसे हैं, हम लोग तो एक हफ्ते में ही भाग जाते। ठीक है, मैं चलता हूँ। मुझे वो जमीन चाहिए। क्या बात है, आधे खड्डे में उतर जाओगे सर, मेरी बात मान लीजिए। शर्मा, मैं वास्तु पर यकीन करता हूँ, वास्तु शास्त्र पर नहीं। मुझे जमीन चाहिए, ये डील पक्की करो। सारे पेपर हैं? जी हाँ सर। न्यूज़पेपर नहीं? दादी ने मेरे जीजा के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी दिए। मैं वहीं आता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वीआईपीज को डिस्टर्ब कर रहे हो? सिक्योरिटी, हेलो, वी आर इन अ बिजनेस मीटिंग, डोंट डिस्टर्ब अस। एक्सक्यूज मी, लिसन। हे मैम, यू लिसन, लीव अस अलोन एंड प्लीज गो समवेयर एल्स। Hope you understand English.
फिक्र मत करो लकी, नो प्रॉब्लम। ओके सर। जमीन के पेपर कब दिखाओगे? पेपर यानी ओरिजिनल पेपर्स। मुझे अपनी दादी के घर से लाने होंगे, क्या मैं कल ले आऊं? रजाक भाई कल दुबई जा रहे हैं, आज शाम 4 बजे तक ले आओ। ओके सर। ये हाथ नहीं मिलाते। देखा कैसे पटा लिया? फर्राटेदार इंग्लिश। हां वैसे तूने अभी के अभी ओरिजिनल पेपर्स दिखाने का मामला यहीं खत्म क्यों नहीं किया? ओरिजिनल पेपर्स अभी दिखा देता तो उन्हें हम पर डाउट। एक्सक्यूज मी, रजाक सर ने कहा इसीलिए मैं वहां से चुपचाप चली गई, वरना पुलिस को फोन करके यहां बुला लेती। हेलो, अगर कोई भी तुम्हारे होटल में रजाक से मिलेगा तो तुम पुलिस को बुला लोगी? मेरे मना करने के बाद भी तुम यहाँ पर क्यों आए? बिजनेस के लिए। बिजनेस और तुम? हाँ। एक नंबर के चोर लगते हो दोनों। रजाक सर जैसे बड़े आदमी के साथ तुम लोगों का क्या काम हो सकता है? तुम तो पढ़े लिखे लगते हो, इतना भी नहीं समझते कि तुम दोनों की वजह से मेरी नौकरी तक जा सकती है? जरा भी अक्कल नहीं है। इतिहास गवाह है कि औरतों से ज्यादा आदमी हार्ट अटैक से मरते हैं, क्योंकि हमारा दिल इतना बड़ा होता है और औरतों का दिल बहुत छोटा। तुम्हारी तो आंखें भी कमजोर है। हार्ट भले ही लेफ्ट पर हो पर होता हमेशा राइट है। चल रहे। वाह रे वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। तूने इंग्लिश में क्या बोला ये समझ में नहीं आया, लेकिन जो भी बोला बहुत अच्छा बोला। Come on man, it's just part of the game. अरे फिर इंग्लिश बोला, लेकिन कमाल इंग्लिश बोलता है। ये फोन भी ना, जब भी कोई जरूरी बात हो ये बीच में जरूर बचे। कौन है? है कोई, मैं बाद में बताऊंगा। रजाक ने हमें शाम को 4 बजे बुलाया, तब तक मैं इस बंदे को मिलके आता हूँ, ठीक है? और पेपर्स? उन्हें मेरे पास रहने देना। सॉरी। क्या मुझ पर यकीन नहीं है? नहीं, पेपर्स मैं रखूंगा। मैं भी तो बिल्कुल यही कह रहा हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। क्या है बता? हमारे पास टोटल 4 पेपर्स हैं। 1 और 3 तू अपने पास रख, 2 और 4 मुझे दे दे। वाह जी वाह, तू तो बड़ा शातिर निकला। ले। हाँ, 1 ले 3। शाम को ठीक 4 बजे होटल पर मिलना, टाइम पर पहुँच जाना। टेंशन मत ले, मैं वक्त से पहले पहुँच जाऊंगा। और कितनी देर इंतजार करूं? भड़की हुई है, फोन तक नहीं उठा रहा, इडियट कहीं का। अब पहले फोन छुपा लेता हूं। गिड़ गिड़ी उपासना, हंग करते हो चंदू। एक तो वेट करवाते हो, ऊपर से फोन भी नहीं उठाते। तुम मेरा फोन नहीं उठा रही थी? ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है चंदू, मैं तुम्हें फोन कर रही थी, तुम नहीं। उसने एक बार भी नहीं उठाया। उसने? किसने? अरे उसी ने जिसने मेरा फोन चोरी किया। तुम्हें और कोई बहाना नहीं मिलता है क्या? तुम्हारी कसम, पिछली बार भी तुमने यही बहाना बनाया था। सच में चोरी हो गया ना? चोर तुम्हारा ही फोन क्यों चुराता है? क्योंकि मेरे फोन का मॉडल लेटेस्ट होता है। हद है यार, गेट लॉस्ट। मेरी बात तो सुनो उपासना। अब रजाक भाई हैं? रजाक साहब तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। हाँ। लॉयर को भी बुला लिया है। लॉयर किस लिए? तू जो डॉक्यूमेंट्स लाया वो चेक भी तो करना पड़ेगा ना। घबरा मत, चल अंदर। नमस्ते माँ जी। मैडम इस बार मैं गाजर का जूस लाया हूँ, ये आपको लंबी जिंदगी देगा। शर्मा इस बार मैं गाजर का जूस लाया हूँ, ये आपको लंबी जिंदगी देगा। कुछ और सुझा के अम्मा जी? सुनो, जिंदगी की रक्षा करता है शर्मा, सलमान खान शो के लिए गया दुबई, हिंदू मुस्लिम आपस में है भाई भाई, शादी से पहले होती है लड़का और लड़की की सगाई, मेरा नाम है वहीदा रहमान, आंखों में लगाया मैंने सुरमा, वाह वाह तो करो शर्मा। ऊपर वाले ने इनके पैर छीन लिए, काश जबान छीन ली होती। अम्मा जी, कुत्ता कहाँ भौंक रहा है शर्मा? मेरा गला खराब हो गया। आपकी कविता सुन के अच्छे अच्छों को रोना आ जाता है अम्मा जी। मेरा मजाक उड़ा रहे हो शर्मा? रोना यानी खुशी के मारे रोना अम्मा जी। हाँ। मैं चाहता हूँ कि आप टीवी में सास का रोल करें। ऐसा क्यों शर्मा? टीवी बंद तो कर सकते हैं। सर क्या कर रहा है? दरवाजा बंद। अम्मी जान। हाँ बेटा। आपके लिए बादाम का जूस मंगाऊं? नहीं। बुढ़ी को सिंदूर पिला दो ताकि आवाज ही बैठ जाए। सर पेपर्स। पेपर्स। रजाक भाई उस जमीन के दाईं तरफ एक बड़ा गड्ढा है, मेरी बात मानो तो जमीन को मत खरीदो। गड्ढे में मिट्टी भरेंगे। वास्तु में क्या भरोगे? आप बेकार ही वास्तु के चक्कर में अच्छी खासी जमीन हाथ से जाने दे रहे हैं।
कौन सी पिक्चर का गाना पता है आपको? जुरासिक पार्क का है। डाउट। कोई डाउट नहीं है, पेपर्स बिल्कुल क्लियर है। भाई मेरी बात सुनो, मुझे ये डील टेढ़ी लग रही है। शर्मा वकील साहब को उनकी फीस दे दो। पूरे 10,000 हैं। थैंक यू सर। मेंशन नॉट। रजाक भाई अब आपसे मुलाकात 6 महीने बाद ही होगी। पैसे की बात करें? सर हमने सोचा था कि। सोचो मत, सिर्फ सुनो। ओके सर। 1 लाख। कितने? क्या कहा सर? बस सिर्फ इतना ही? 1 लाख। ओके 1.5 लाख। अपनी दादी की प्रॉपर्टी को बेचने के बारे में सोचना मेरी गलती थी। इतने कम दामों में बेचने की बजाय मैं थोड़ा रुक कर इसे ज्यादा दाम पर बेचूंगा। ए, चलो। तुम यहां अपनी मर्जी से आए थे, अब मेरी मर्जी के बिना जा नहीं पाओगे। फाइनल रेट 2 लाख। 2 लाख डॉलर से ज्यादा मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा, समझे? 2 लाख डॉलर मतलब 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए? आप चिंता मत कीजिए, हम दादी माँ को मना लेंगे। शर्मा सर 2 लाख रुपए एडवांस दे दो। सर आज अष्टमी है, कल नौमी है, अष्टमी में ही सारे शुभ कार्य करने चाहिए, इन्हें आज ही पूरा पेमेंट कर दीजिए ना। शर्मा देखिए सर, जब इन्हें पूरा पेमेंट हमें नहीं करना है तो 1 लाख रुपए एडवांस में दो और ये डील पक्की कर लो। 2 लाख देने की क्या जरूरत है? शर्मा, जितना कहा है उतना करो। थैंक यू सर। जरा चेकबुक देना। इसीलिए मैं तुम्हें यहां आने से मना करती थी। जाओ। ठीक है मैं कल आऊंगा। अरे भरत भाई, इनको 2 लाख रुपए दे दो। उनको टोकन दे दीजिए। टोकन की जरूरत नहीं है, ये रजाक साहब का चेक है, हमारे बैंक के VIP कस्टमर हैं। तुम इतनी फिक्र मत करो, पैसे दे दो। उस वकील का डर लग रहा था पर वो तो गधा ने की। गधे की है? वो गधा यही खड़ा है। यहाँ क्या कर रहे हैं सर? वो जमीन किस रेट में बेची? मार्केट रेट से सर। और मेरा कमीशन? वो तो आपको मिल चुका ना। वो तो पेपर चेक करने की फीस थी बस। और कमीशन वो तो मैं तुमसे ही लूंगा ना, तुम्हारी मदद जो की थी। कैसे पैसे? आपने हमारी क्या मदद की? पेपर में जो मैटर लिखा था वो ओरिजिनल था, मगर पेपर डुप्लीकेट थे। सर क्या सिंक में रिएक्ट करते हो? आपने रजाक साहब से झूठ क्यों बोला? 2 हफ्ते बाद रिटायर्ड होने वाला हूँ। रजाक साहब दुबई जा रहे हैं, 6 महीने तक आएंगे नहीं। रिटायरमेंट के बाद मैं एक शांत जगह बाकी की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मेरे सीनियर ने कहा था कि जब तक कुर्सी पर बैठे हो जितना कमा सकते हो कमा लो, क्योंकि कुर्सी से उतरने के बाद तुम्हें कुत्ता भी नहीं पूछेगा। लाओ मेरा हिस्सा दे दो। 2 लाख काफी है, फिलहाल काम हो जाएगा, बाकी 4 लाख डील होने के बाद। भूल मत जाना। टाटा टाटा बाय बाय। तूने उसे पैसे क्यों दिए? लेने दे यार, बाबा जी का घंटा भी नहीं देंगे उसको। बाकी के 98 लाख हमसे दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। हाँ यार, लेकिन वो यार। जब बात करोड़ों कमाने की ओर पर ध्यान नहीं देते। हफ्ता निकाल, मंजीत सिंह आ गया। निकाल ये लीजिए सब्जी। भाई ये तो वही है। चल पकड़ो। आगे वो लोग। किधर जा रहा है? रुक जाओ। अबे लौट। रुक। चल 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 चल। अबे साइकिल में जैकी चैन। अरे रुक जा। रुको 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 भाई, मेरे पास एक बढ़िया सा प्लान है। ये दोनों चूसली उस वाली पतली गली से निकलेंगे और हम इस वाली पतली गली से निकल के उन दोनों का जूस निकाल लेंगे। दोनों को पकड़ के गन्ने की तरह चूस डालेंगे। बढ़िया आइडिया ना। ए स्लो चला, ए पीछे के डर में हमारी ए स्लो चला। ए रुक रुक।
साले ऊपर वाला कह रहे तेरी बाइक पंचर हो जाए। वो वाली नहीं, ये वाली गली। यार अपने पीछे रवि, जल्दी आ। ए फास्ट फास्ट। ए ए वो बैग दे मुझे, बैग बैग। अरे अरे ए क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? जल्दी चल, जल्दी चल, भाग जाएंगे वो। चल गाना भाई। अरे रुक जाओ, नहीं करो। अरे रुक जाओ साले, चोर रुक। अरे वो स्टेज पे आएंगे। धरती में छुपी आसमान में खींच के बाहर निकाल के सूली पे लटकाऊंगा। उस दिन भी तू मेरे हाथ से बच गया, लेकिन तू मेरे को जानता नहीं। मैं दुनिया को हिला के रख सकता हूँ। अपने आप को देशाना समझता है ना, लेकिन मैं तेरा बाप हूँ। तू दुनिया को चूना लगाता है, लेकिन मैं तेरे को चूना लगाऊंगा। तेरे घर के अंदर घुस के तेरे को मारानी तो मेरा नाम मंगी नहीं, समझा क्या तू? और तेरे साथ जो तेरा पार्टनर है ना, हे हटवे, उसकी भी वाट लगाऊंगा। हे हटना, अबे शाणे, अबे दूर क्या काके नीचे नीचे। सर अभी वो सर, हम तो बस राइट की गली से भगवान को गाली देता है साले। बंद को चल चल लगे सर। अरे जल्दी बैग चेक कर, हमें इसमें सिर्फ रद्दी है। क्या बोल रहा है, मेरे को दे। अरे पैसा कहाँ गया? ये रोक। अरे साला ये पेपर का क्या है? ये बैग तो पकड़। साला चिंदी सा पेपर के लिए पीछे पड़े ये लोग। रुक जा। मिला कुछ नहीं, 50 का पेट्रोल चला गया। सोचा था आज के खंबे का बंदोबस्त हो जाएगा। रुक, नहीं, नहीं। इसकी तो समझ नहीं आता अब क्या करेंगे। 69 क्या? कुछ नहीं। समझ नहीं आता अब क्या करेंगे। 76 ये 76 क्या है? तुम ये बात अब तक 76 बार कह चुके हो। ये कोई मजाक का वक्त नहीं है रवि। मैं मजाक नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए बैठे बैठे गिनता रहा। सोचा था इस डील की वजह से मैं अपने पिता को जेल से छुड़वा लूंगा। मैंने भी क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन सब पे पानी फिर गया। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? काका से मिलते हैं, एक बार फिर डुप्लीकेट पेपर्स बनवाएंगे। नहीं हो सकता, इस वक्त तो हॉस्पिटल में बीमार पड़ा हुआ है। इस कंडीशन में वो ओरिजिनल बनाएगा तो भी डुप्लीकेट लगेगा। तो इस शहर से भाग चलते हैं। क्या कहा? क्या कर रहा है, दरवाजा बंद। तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए थे, अब मेरी मर्जी के बिना जा नहीं पाओगे। वो रजाक पैसे देने ही वाला था। हाँ, इसे कहते हैं हाथ तो आया लेकिन मुंह नहीं लग पाया। अब हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, पहला है शहर से भाग जाना और दूसरा है शहर से भाग जाना। तीसरा भी शहर से भाग जाना ही है। आइडिया 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 आइडिया, ओरिजिनल पेपर्स दे देते हैं। दिमाग खराब हुआ है? वो काका के बहन के पास रखें, और हम नहीं जानते कि वो कहाँ रहती है। वैसे मेरे पास एक जेरोक्स है, उसका पता इसमें जरूर लिखा होगा। देखो, एक लोचा लग रहा है। लोचा तो सोचना पड़ेगा। प्लीज सीरियसली सुन। हाँ बोलना। क्या काका की बहन हमें पेपर्स दे देगी? अगर मांगने पर पेपर्स दे दिए तो उसे कुछ पैसे दे देंगे, अगर ज्यादा शाणी बनी तो फेस पर पंच मारेंगे और पेपर्स लेकर छू हो जाएंगे। अरे भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्या आप चामुंडेश्वरी देवी का घर जानते हैं? हाँ जानता हूँ। हाँ क्या आदमी है, जानता है लेकिन बताया क्यों नहीं? सही तो किया तूने, उससे पूछा घर पता है नहीं, उसने हाँ कहा और चला गया। सही तरह से पूछेगा तो सही जवाब मिल पाएगा। हाँ ठीक है, चल भाई पीछे पीछे। ठीक है साहब।
एक मिनट रुकिए, ये चामुंडेश्वरी देवी का घर कहाँ पर होगा? आप चामुंडेश्वरी जी से मिलने आए हैं? मतलब आप उनके दूर के या पास के रिश्तेदार हो? हाँ। उनके रिश्तेदार हो तो मेरे भी रिश्तेदार हुए ना। उनका घर हमारे लिए एक मंदिर की तरह है, बिल्कुल स्वर्ग है। जैसे स्वर्ग पिक्चर में राजेश खन्ना के घर में झगड़े होने के बावजूद भी शांति थी, घर एक मंदिर में मिथुन अपनी माँ को देवी मानता था, चामुंडेश्वरी जी भी हमारे लिए एक देवी है और हम चलते फिरते भक्त हैं। यूँ समझ लो कि हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस उनकी दहलीज पर एक नारियल फोड़ दे तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, कसम से। चामुंडेश्वरी जी का घर जानते हो भाइयों? धन्य भाग हमारे जो उनका जन्म हमारे गाँव में हुआ। एक मिनट, ये बिजली का खंभा देख रहे हो? ये उन्हीं की वजह से लगा है। पहले यहाँ सड़कें कीचड़ के अंदर हुआ करती थी, बच्चों को स्कूल में मुंह काला करके जाना पड़ता था, समझ में नहीं आता था अपने बच्चे की पड़ोसी के। नहीं नहीं, गलत मत समझना, इतना कीचड़ होता था कि इंसान के बच्चे चिंपांजी के बच्चे लगते थे, कसम से। लेकिन उनकी दुआ से ये काम अब जन्नत बन गया है। वो सब छोड़, पहले तू घर बता। आपको बताया तो, वो हमारे लिए देवी है, मुंबई की महालक्ष्मी है, जम्मू कश्मीर की वैष्णो देवी है, चाहे किसी भी देवी की बात कर लो उसमें उन सब की छवि है। आप कुछ पूछ रहे थे? चामुंडेश्वरी देवी का घर। अच्छा, चामुंडेश्वरी जी का घर पूछ रहे हो? तो पहले क्यों नहीं पूछा यार, यही सामने तो है। फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ये उनका घर है? दिखने में तो घर बिल्कुल मंदिर जैसा लगता है, पर काका जैसे पापी ने इस परिवार में जन्म कैसे लिया? तुम्हारी ही तरह। कुछ बोला? अब कुछ नहीं। कोई है? आया। एक्सक्यूज मी, किससे मिलना है? चामुंडेश्वरी जी घर पे हैं। क्या काम है? उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं उन्हें बताता हूँ। शायद वो पूजा कर रही है। क्या हुआ, इस तरह रो क्यों रहे हो? वो सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी भी नाती है, मुझे भी उसकी शादी की चिंता है। लड़के वालों ने 30 लाख का दहेज मांगा है तो क्या हुआ, हम जैसे तैसे उसका इंतजाम कर देंगे। शक्ल से तो काफी अच्छे खानदान की लगती है, मुझे नहीं लगता कि ये पेपर्स देने में कोई नौटंकी करेगी। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। बोलो क्या काम है? मेरा नाम प्रशांत है। मेरा नाम विनोद। मैं चामुंडेश्वरी। शारदा कॉलोनी में वो 500 गज का प्लॉट आपका है ना? कितनी बार कह चुकी हूँ मुझे वो जमीन नहीं बेचनी है, उससे मेरे पति की यादें जुड़ी हुई हैं। एक बार फिर सोचिए मैडम। एक बार कहा समझ में नहीं आया। हेलो। नमस्ते चामुंडेश्वरी बहन, भट्टाचार्य बोल रहा हूँ। क्या हुआ भट्टाचार्य? बहन जी, लड़के वालों का फिर से फोन आया था, कह रहे थे अगर 30 लाख रुपए नहीं है तो इस शादी वादी भूल जाओ। लड़के वालों से कह दो हमें सारी शर्तें मंजूर हैं। बहन जी, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा। उस जमीन के तुम कितने दे सकते हो? आजकल रियल एस्टेट के दाम काफी घट गए हैं ना। घुमा फिरा के बात मत करो। तो फिर आप ही बताइए। पूरे 30। 30 हजार? क्या कहा, 30 हजार? 30 हजार नहीं, 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए? हाँ, रियल एस्टेट का दाम काफी बढ़ गया है ना। क्या कह रही हैं आप? वही जो तुम सुन रहे हो। ठीक लगता है तो बोलो और मुझे कैश चाहिए, सोच के बता दो। यार ये मामला नहीं जमने वाला। और कोई चारा नहीं है, इसे 30 लाख देने के बाद हमारे पास 70 लाख तो बचेंगे ना। लेकिन तो हम आपको 30 लाख देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पेपर्स कहाँ हैं? उन्हें मैं तकिए के नीचे रखती हूँ, पैसे मिलते ही मैं तुम्हें पेपर्स दे दूंगी। ठीक है मैडम, नमस्ते। चल 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 निकल। चरण जी। दीदी, छोटू चिंटू को खाने के लिए बुला लो। ठीक है दीदी। छोटू चिंटू चलो घर में आ जाओ, खाने का वक्त हो गया। जी अभी आए। हाँ। 30 लाख लाएंगे कहाँ से? 30 लाख की जरूरत नहीं है, उसने कहा ना वो पेपर्स तकिए के नीचे रखती है, हम रात के अंधेरे में जाएंगे, उस औरत को और उस अंकल को 2-3 कान के नीचे मारेंगे और पेपर्स लेकर वहाँ से रफू चक्कर, समझा ना। और छोटू और चिंटू? उनका क्या, उनको तो बस हाथ दिखाएंगे तो उनकी बैंड गिली हो जाएगी, बस एक रात की तो बात है, फिर करोड़ों हमारे। दिल्ली या मुंबई? क्या भाग के कहाँ जाएंगे? क्या वहाँ देख। चलो भूख लगी है। साइज देख के तो नाम रखना चाहिए, रात का प्रोग्राम कैंसिल दोस्त। हमारे पैसे मिल के रहेंगे। 1 करोड़ में से 30 उस औरत को और 20 काका को देने के बाद भी हमारे पास पैसे बचेंगे। 50 लाख तो हमसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, वो तो ठीक है, कंफर्म। लेकिन उस औरत को देने के लिए 30 लाख हमारे पास आएंगे कहाँ से? 15 लाख हैं और इधर उधर से निकालने पर कम से कम 22 लाख का जुगाड़ तो हो जाएगा। और बाकी के पैसे? 13-5 मिला के 27 हुए ना। रिक्शा रोको। अरे ये तो सिर्फ कैलकुलेशन है। चंदू, मैं तेरा प्लान समझ गया। मैं मांगूंगा बाद में। तू मेरे 5 लाख रुपए चुराना चाहता है? अरे मुझे क्या पता था पेपर्स पानी में चले जाएंगे। देख, 22 लाख मेरे हैं, 5 तेरे हुए और 3 का हम इंतजाम कर लेंगे। मुझे मेरे पैसे। मैं अपने उन 5 लाख में 10 लाख जोड़ के अपने पिता को जेल से छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझसे मेरे वो पैसे छीना चाहता है। आप लोग बाद में झगड़ लेना, मेरे 7 रुपए दे दो। तू अपने 5 लाख नहीं मिलाएगा और प्रॉफिट में से 30% की बात करेगा। मैं तुझसे 5 लाख इसलिए मांग रहा हूँ ताकि 30 लाख जमा हो सके।
चलिए एक रुपया कम कर देता हूँ, 6 रुपए तो दे दीजिए साहब। नहीं दूंगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तू देगा या नहीं? नहीं दूंगा। क्यों? रिक्शा खाली है क्या? हाँ साहब खाली है। तुझे अपने 5 लाख रुपए मिलाने ही होंगे। एक बार मना कर दिया तो कर दिया। पता नहीं मुझे मेरे पैसे मिलेंगे या नहीं। वैसे ये लोग तो लाखों करोड़ों की बातें कर रहे हैं, तुम्हारे पास तो छुट्टे पैसे हैं ना? हाँ है ना। तो ठीक है टिका लो। देगा या नहीं? आखिरी बार कह रहा हूँ नहीं दूंगा, आज से मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हाँ तो जाना, मैं 8 लाख का जुगाड़ करके पूरे 1 करोड़ कमाऊंगा, तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है मुझे, जा। समझ में नहीं आता इस दड़ियल की खोपड़ी में बात क्यों नहीं घुस रही। इसे 1 करोड़ मिलने वाले हैं, जिसमें से 30 लाख एक औरत को देने वाला है, इसके बाद 70 लाख इसके पास बचेंगे। हाँ। फिर भी ये भिखारी क्यों लगता है? जेब में पैसा नहीं बातें करोड़ों की। क्या हुआ? अरे बच्चों की तरह क्यों रो रहा है? क्या करूं पापा, दरअसल मैं आपको इस तरह जेल में नहीं देख सकता। अरे बेटा शुरू में मुझे भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन अब सब ठीक है। घर पर सिर्फ 2 न्यूज़पेपर आते थे, यहाँ पर 6 आते हैं। मैं दिन भर पेपर पढ़ता रहता हूँ और इसी बहाने दुनिया के टच में रहता हूँ। आपका ख्याल आते ही मुझे बहुत दुख होता है। तुम सबको लगता है कि जेल में रहने वालों को तकलीफ होती है, लेकिन यहाँ बढ़िया चाय नाश्ता मिलता है और वो भी फ्री में। तुझको याद है डॉक्टर ने मुझे एक्सरसाइज करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। पर यहाँ तो सुबह शाम यहाँ काफी काम करना पड़ता है तो एकदम फिट हो गया हूँ मैं। सिगरेट छूट गई है, पीना छूट गया है। तेरी माँ कितना लड़ती थी मुझसे, ऊपर वाले ने उसकी प्रार्थना सुन ली। यहाँ पर तो नो ड्रिंकिंग नो स्मोकिंग, फुल मतलब स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है। बस पापा मैं जल्दी ही सारे पैसे भर दूंगा और आपको यहाँ से छुड़ा लूंगा। रवि मैं तुम्हें यह बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब बताना पड़ेगा। 1 हफ्ते पहले हमारा वकील आया था, कुछ ही दिनों में जज बदल जाएगा, फिर जाके भी मुझे बेल नहीं मिल पाएगी। कोई बात नहीं बेटा, तू टेंशन मत ले, 6 महीने की तो बात है। क्या तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए? बस चाहिए, कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए आप मेरे पैसे दे दो, मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। एक बात ध्यान रखो कि ये 2 नंबर का पैसा है, तुम इसके साथ पकड़े गए तो सीधा जेल में जाओगे, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और पहले से ही तुम पर कई केस हैं। जानता हूं पर नो लुकिंग बैक। एक बार फिर से सोच लो। ए प्यारे लाल, शक्कर महंगी हो गई क्या? डाली है मैंने। अरे क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? और मैंने अपने हाथों से बनाई है इसीलिए बोल रहा हूं। अब किसे बकरा बनाऊं? अंबाजी राव। बोलो भाई कौन है? मैं चंदू बोल रहा हूँ अंबाजी। हेलो हेलो, चंदू उर्फ सलीम उर्फ अली उर्फ शिंदे उर्फ राणे उर्फ सुरेश उर्फ महेश उर्फ चंद्रशेखर। अरे चंदू कैसा है रे मेरे बंधु? अंबाजी मुझे अर्जेंट 8 लाख रुपए चाहिए, मैं आपको जल्द से जल्द लौटा दूंगा, वादा है। तुम्हें 8 लाख चाहिए ना, मतलब 7 से 1 ज्यादा और 9 से 1 कम। मैं जिस समंदर के बीच खुले आसमान के नीचे ठंडी हवाओं की झोंकों को खाता हुआ इतने दिनों से धक्के खा रहा हूँ कि उन धक्कों ने मुझे इतने मुक्के मारे कि एक अच्छा खासा इंसान 2 लाख रुपयों के लिए इधर उधर फटक रहा है। चल अब जल्दी फोन रख। साला प्लान फेल हो गया। उपासना सही टाइम पर फोन किया। चंदू मेरी एक दोस्त के पापा का एक्सीडेंट हो गया है और वो आईसीयू में है। क्या कह रही हो? ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, कुछ करो चंदू। मेरे एक दोस्त की मम्मी का भी एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं तुम्हें पैसे के लिए बस पूछना ही वाला था। ये 5 लाख देके तूने साबित कर दिया कि तू बहुत अच्छा दोस्त है। मैं एक अच्छा बेटा बनना चाहता हूँ। तुझे लगता है कि 27 लाख के बदले में वो हमें पेपर्स दे देगी? नहीं देगी, सुना नहीं था उसे दहेज के लिए 30 लाख रुपए चाहिए? अब बता क्या करें। सावित्री, गुरुजी सावित्री,
हम आपसे 3 लाख रुपए मांगने आए ताकि पुराना और नया मिला के हम आपको 5 लाख दे दें। हाँ, उसमें से 2 निकालने पर सिर्फ 3 ही बच जाएंगे। अगर आपने 3 लाख दिए तो हम 5 दिन में आपको 5 लाख देंगे, यानी हम 3 के बदले में आपको 5 देंगे। वैसे भी 2 लाख का आपका पहले से ही एहसान है। अगर आपने 3 लाख का एहसान नहीं किया तो पहले वाला एहसान मैं भूल जाऊंगा, इसीलिए आप अपना 2 लाख वापस पाने के लिए 3 लाख देने से इनकार नहीं करेंगे। इसीलिए मुझे 3 लाख अभी दे दो, मैं आपको 5 दिनों के अंदर 10 लाख रुपए लौटा दूंगा। इसका मतलब 10 दिनों के बाद मैं इनको कितना दूंगा? पूरे 10, 2 पहले के, 3 बाद के, दोनों मिला के हो गए 5। उसके अंदर अगर हमने 5 जोड़ दिया तो कितने होते हैं? 10 लाख। जरा सोचिए, मैं आपके 5 लाख को 5 दिन के अंदर 10 लाख बना दूंगा, यानी आम के आम, गुठलियों के दाम। आपको हम पर भरोसा नहीं है? कोई बात नहीं, आप ये बैग रख लो, इसमें 27 लाख रुपए रख लीजिए आप। लेकिन इसे खोलने से पहले एक बात याद रखना, जो 2 लाख आपने दिए हैं और जो 3 लाख आप देने वाले हैं सिर्फ 5 दिनों के अंदर 10 लाख बन जाएंगे। तो क्या आप नहीं चाहते कि जो दिए हैं और जो देने वाले हैं वो मिला के 10 लाख हो जाएं? भाई कुछ सोच रहे हैं। भाई अभी भी कुछ सोच रहे हैं। भाई अभी भी कुछ सोच रहे हैं। दे या ना दे, दे या ना दे, दे या ना दे। ठीक है, 5 दिनों में हम तुम्हें 10 लाख देंगे और तुम हमें 3 लाख। नहीं 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 नहीं, हम तुम्हें 3 लाख देंगे और तुम हमें 10 लाख दोगे। ना आपको समझ में तो आ गया ना? भाई का दिमाग बहुत तेज है। ओ अच्छा भाई, मैं वो हमारे खाते बहते हुए झरने की तरह है। क्या बात है। एक, दो, तीन। लगता है भाई को अभी भी डाउट है। भाई आप टेंशन मत लेना, मैं वापस समझाता हूँ। पहले के 2 और या बस, बस बस बस, हमें सब समझ में आ गया। तुम पैसे पकड़ो और यहाँ से निकलो। थैंक्स भाई, बैग उठाना। भाई अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार बस करो, हमें सब समझ आ गया, तुम जाओ। जाओ जाओ। थैंक्स भाई। चलो भाई हिसाब लगाते हैं, 2 और 3 होते हैं 5। वो 5 5 दिनों में 10 लाख हो जाएंगे और वो 5 दिनों में 10 लाख लौटाएंगे। अब 10 में से 2 निकालो तो 8 बचेंगे। उस 8 में से हमने 3 दे दिए तो 5 बचेंगे। 5 यानी 5 लाख, हमने उसे 5 दिए, वो हमें 10 देंगे। वादे के मुताबिक उसने 5 लाख नहीं दिए तो 5 लाख का हिसाब रह जाएगा। उसमें से 2 लाख निकालने पर 3 लाख रह जाएगा, यानी वो हमें पैसे दे या ना दे, हमें कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है ही। आप पूछ रहे हैं कि मुझे समझ में आया कि नहीं? एकदम समझ आ गया। अगर किस्मत ने साथ दिया तो सब सेट हो जाएगा। मैंने सोचा नहीं था कि सावित्री इतनी जल्दी पैसा दे देगा। दे दिया ना। कौन है? एक हेलो, मैं शर्मा, रज्जाक भाई का असिस्टेंट। सर 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 सर, मैं रवि बोल रहा हूँ। तुम्हारे पास सर एक्स्ट्रा है जो कब से सर 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 किए जा रहे हो? बोलो। सर आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? अरे तुम लोग कहाँ कहाँ से कनेक्शन जोड़ के मेरे बॉस के पास पहुँच गए, तो उनका असिस्टेंट तुमसे कनेक्शन नहीं जोड़ सकता? वैसे तुम लोग हो कहाँ? कैफे में। सुनो वेटर, 2 कॉफी लाना ना। ओह, आजकल कैफे वाले रिक्शे में कॉफी बेचने लगे। ट्रैफिक की आवाज आ रही है। सर शोर आपकी तरफ से आ रहा है, हमारी तरफ से नहीं। हेलो 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 हेलो, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है सर। इस शोर का कोई इलाज नहीं है, दरअसल वहीदा रहमान जी जूस की चुस्कियाँ ले रही हैं। फोन क्यों किया था सर? रजाक भाई कल दुबई जा रहे हैं और दुबई जाने से पहले वो हमेशा मौज मस्ती के लिए पार्टी देते हैं। शहर के सारे फ्री में पीने वालों को बुलाते हैं, तुम्हें भी बुलाया है। टाइम पूछता हूं, कितने बजे है सर? 7 बजे चीयर्स करने के बाद टुन होके सबकी धुलाई करते हैं, इसलिए जल्दी आना और जल्दी निकल जाना। ओके सर, हम आ जाएंगे। शर्मा मर गया ये शर्मा। अम्मा जी। शर्मा सर 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 सर, तुमने जब इतनी बार सर 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 बोला तो कुछ सूझा? शर्मा की जान मत लो अम्मा, माफ कर दो। एक बार सुनो तो। सर आए आए रे, सर आए आए रे, खुशबू वाले साबुन से नहाए 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 रे, बिना मिर्ची का खाना रे खाया 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 रे, मेरे पैरों में बटा चप्पल पहनाए 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 रे, नाम मेरा वहीदा रहमान सुनो 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 रे, आंखों में लगाया सुरमा मैंने सुरमा वाह तो करो शर्मा 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 मामा 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 मामा। वाह अम्मा जी, आपकी खोपड़ी की झोपड़ी इतनी फिट है कि तुरंत कविता बना देती है। मुझे ना चाहते हुए भी वाह वाह करना पड़ रहा है, आपकी कविताओं की तो किताब छपा देनी चाहिए। किताब कौन पढ़ेगा शर्मा? पढ़ेगा नहीं तो फाड़ेगा तो जरूर। इधर ही कहीं था। यस सर, बोलिए।
सर, उसका डायलॉग आप कहाँ बोल रहे हो? क्या चाहिए सर? यहाँ पर कम्युनिटी हॉल है। कम्युनिटी हॉल? कम्युनिटी हॉल नहीं, कॉन्फ्रेंस हॉल। कॉन्फ्रेंस हॉल। ओह, कॉन्फ्रेंस हॉल। सर, गो स्ट्रेट एंड टेक लेफ्ट। वेलकम। अरे वेलकम नहीं बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं। इंग्लिश में पूछो ना इसकी शादी हुई है कि नहीं। आर यू मैरिड? नो। अब ये पूछो कि बच्चे हैं कि नहीं। यू हैव चिल्ड्रन? शट अप इडियट। गांडो थे क्यों? गुड मॉर्निंग सर। टेक योर सीट। थैंक यू सर। ओके, हमने अपनी ऑफिस की मीटिंग सीक्रेटली इस कॉन्फ्रेंस हॉल में रखी है, इसलिए ताकि किसी को भी इस मीटिंग के बारे में खबर ना हो। हम इस मिशन को चुपचाप पूरा करेंगे। सर, ये सीक्रेट मीटिंग है ना, तो इतने बड़े कमरे में क्यों हो रही? बिकॉज मीटिंग इज इम्पोर्टेंट, नॉट द रूम। पाकिस्तान से आए कुछ टेररिस्ट हमारे शहर में घुस गए हैं। हमें अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर डेविड से ये खुफिया रिपोर्ट मिली है। आप सब तो जानते ही हैं कि डेविड की इन्फॉर्मेशन कितनी परफेक्ट होती है। यस सर, डेविड की इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होती। कसाब के गैंग ने मुंबई के ताज होटल में हमला किया था, उसी तरह के कुछ टेररिस्ट इस होटल में हैं। इसलिए प्लीज डू नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। हमें मिली इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो रेलवे स्टेशन को उड़ाने वाले हैं। इस इन्फॉर्मेशन का क्रेडिट पाटिल को जाता है। यस सर। सो हमें इस होटल में रहने वाले कुछ लोगों पर पहले से ही थोड़ा शक है। हम उन्हें अभी गिरफ्तार नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम पूरी टीम को रंगे हाथों एक साथ पकड़ें। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ओके, एक और अहम इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो अपना नाम और अपना हुलिया बदल के अपने काम को अंजाम देंगे। ओ, ऐसा क्या? सो कीप इन माइंड, हम इस होटल में रहने वाले एक भी टेररिस्ट को अभी अरेस्ट नहीं करेंगे। श्योर सर, हम ऐसा ही करेंगे सर। हमारी एक भी भूल उन टेररिस्ट को अलर्ट कर देगी और फिर हमारा उन्हें पकड़ने का मकसद अधूरा रह जाएगा। सो आपको यहाँ रहने वालों पर नजर रखनी होगी और उनकी पूरी टीम को पकड़ना होगा। हमें हर एक टेररिस्ट को सलाखों के पीछे भेजना है। क्या कहते हो पटेल? यस सर, मैं इसी होटल में रहकर उन पर नजर रखूंगा। जो भी पंगा लेता है पटवर्धन पटेल से, उसकी कर देता हूँ मैं मालिश बिना तेल। शट अप। सॉरी सर। चामुंडेश्वरी जी, चामुंडेश्वरी जी, चामुंडेश्वरी जी। दीदी पिछले 3 घंटे से ईश्वर की संगीत साधना में मग्न है। जब तक वो पूरी नहीं हो जाती, वो आपसे मिल नहीं सकती। उनसे कहो हमसे मिलने, उसके बाद सुर लगाती रहे। असंभव, संगीत तो दीदी के प्राण है, साधना पूरी होने तक वो आपसे नहीं मिल सकती। ठीक है, तुम यही रुकते हैं। सुनिए, एक छोटी सी गुजारिश है। जी कहिए। आपकी दीदी संगीत की इतनी महारथी है, तो जरूर आपको भी संगीत के बारे में कुछ न कुछ तो पता होगा। ये तो ऊपर वाले की देन है। मुझे भी संगीत बहुत पसंद है। ये गाना किस फिल्म का है? हरे कृष्ण, ये भी कोई संगीत है? इसे सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं चले गए? छी 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 छी, क्या कैरेक्टर है यार। अब आंटी का ड्रामा खत्म होने तक ऐसे ही इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, करो इंतजार। किसको फोन कर रहा है? गर्लफ्रेंड को। जाना पहचाना नंबर है। एक्सक्यूज मी 1 सेकंड प्लीज। हेलो, हेलो, सुनिए, दीदी आपको बुला रही है। नमस्ते मैडम। नमस्कार। यहाँ आने की वजह? हम आपके पैसे लाए। चरण, वो ले आओ। पैसे गिनने की मशीन? पैसा नहीं है, लेकिन पैसे गिनने की मशीन है। दीदी, ये कुल 29,98,000 रुपए हैं। 2,000 कम है। सिर्फ 2,000 तो कम है, एडजस्ट कर लो ना। ठीक है, 2, 3, 4। बाकी के 2 पेपर? सिर्फ 2 पेपर ही तो कम है, तुम भी एडजस्ट कर लो ना। भाई चालू मैडम है, ये लीजिए। सॉरी मैडम। थैंक्स थैंक्स मैडम, चलते हैं। ए कॉन्ग्रेट्स पार्टनर। फोन आ रहा है, फोन। मेरे एक पंटर का फोन आया। बोल यार, क्या हाल है? बस टाइम बस। कितना माल मिला? क्या बात कर रहे हैं, सच बता। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, या दैट्स करेक्ट, 1 सेक। हेलो हेलो हेलो। स्टूपिड, परेशान करते रहते। एक्सक्यूज मी मैडम। या? एंट्रेंस पर किसी लड़के ने हंगामा खड़ा किया है, वो कह रहा है कि वो आपका भाई है। व्हाट? स्टॉप इट, छोड़ो, स्टॉप इट, लिसन टू मी, स्टॉप।
शिवा ये क्या तमाशा लगा रखा है? मैंने जो पैकेट घर पे छुपाया था कहाँ गया? शिवा ड्रग्स तुम्हें पागल कर देगी, इसीलिए मैंने उन्हें फेंक दिया। यहाँ से जाओ। तू ही सारे फसाद की जड़े, तेरी वजह से भैया ने घर छोड़ दिया। क्या तमाशा लगा रखा है, कौन हो तुम? सॉरी सर, ये मेरा भाई है। तुम्हारा भाई है तो क्या हुआ? दिस इज अ फाइव स्टार होटल, डोंट बिहेव लाइक दिस। बाहर निकालो इसे, कम ऑन क्विक। हमारे बीच में ये साला बोलने वाला होता कौन है? सॉरी मैम। चंदू, आपके डैडी आपको बुला रहे हैं। पापा, तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे लगता था कि एक दिन तुम सुधर जाओगे, लेकिन नहीं, मैं गलत था। तू एक नंबर का निकम्मा है, तूने हमारे परिवार को बर्बाद कर। क्या कह रहे हो पापा? चुप हो जा। तू अपनी भोली माँ के सामने मासूम होने का नाटक करता है, लेकिन मैं तुझे जानता हूँ। मैंने उन जाली पेपर्स को देख लिया जिस पर तूने मेरे नकली साइन किए थे। ऐसा क्यों कर रहा है बेटे? तेरी माँ को पता चला तो वो सदमे के कारण मर जाएगी। लक्ष्मी को तुझ पर केस करने के लिए मैंने ही कहा था। वो प्रॉपर्टी तेरी बहन की शादी के लिए रखी थी। मेरी आखिरी इच्छा है कि तू उस प्रॉपर्टी को भूल जा, सुधर जा मेरे बच्चे, सुधर जा। ये सब आप क्या कह रहे हैं? मेरे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। पापा चला जा, यहाँ से चला जा, चला जा। मेरे पापा, 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 अब मिली कलेजे को ठंडक। आखिर तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो? पापा की इच्छा के खिलाफ तुमने मुझ पर केस फाइल किया और खानदान की मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। चंदू, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम चुप रहो। पापा के मौत की वजह भी यही है माँ। प्रॉपर्टी चाहिए ना, ले लो सारी प्रॉपर्टी, पर मेरे पापा को लौटा दो। चंदू चुप करो। हमें हमारे पापा को लौटा दो, बस लौटा दो। मैडम, रजाक सर आपको स्विमिंग पूल के पास बुला रहे हैं। कह दो 10 मिनट में आ रहे हैं। ओके मैडम। थैंक यू सर, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े होटल में खाना खाऊंगा। आपकी मेहरबानी है। हेलो सर। थैंक यू। सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। ये पहला आइटम ले आना, 2 प्लेट। ये वाला आइटम सर, वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट। हाँ, 2 प्लेट ले आना। 2 प्लेट तंदूरी चिकन। मैंने ऑर्डर दिया ना? आपने दिया वो ऑर्डर नहीं था। आपने जो मंगवाया ऐसी कोई डिश होती ही नहीं है। लिखा है खाने से पहले हाथ जरूर धोने चाहिए। ओके, जरा जल्दी लाना। रुको जरा। यस सर। मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है सर? तुम अनुपम खेर के छोटे भाई हो या फिर बाबा सहगल के दूर के कोई रिश्तेदार? वो क्या है ना सर, जितने भी गंजे हैं वो सब एक जैसे ही दिखते हैं। ओहो, ऐसा क्या? तुम्हारा नाम क्या है? पटेल। पटवर्धन पटेल? नो सर, तो वल्लभ दास पटेल। ओहो, देखा ना मैंने कैसे उससे सब कुछ उगलवा लिया। आग शेर और पापा से जो भी उलझता है वो कुछ करने लायक नहीं बचता, खुश हो जाता है। ये वेटर भी जान गया होगा कि मैं क्या चीज हूँ। अरे प्यास लगी, ऐसे पी जाऊँ क्या? एक्सक्यूज मी, ये भी जाना पहचाना लगता है। अच्छा, एक्सक्यूज मी, यस सर, नाम क्या है? वर्धन। पटवर्धन? नहीं सर, विष्णु वर्धन। ओके, फैन ऑन कर दो। यहाँ सेंट्रल एसी है सर, फैन नहीं है। फैन नहीं है, जाओ मैनेजर को बुलाओ। उसका नाम क्या है? पापा। पापा? पटवर्धन पटेल है क्या? नहीं सर, पवन पांडे, सब उन्हें पापा बुलाते हैं। ठीक है पापा। अच्छा मतलब जा जा, ठीक है, जा जा। देखा ना, आपका खाना कम चिल्लाना जाए। क्या हुआ सर, आपने मुझे बुलाया? तुम्हारे होटल की सर्विस बहुत अच्छी है, इसलिए तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू वेरी मच सर। आपसे ये गिफ्ट लेने के बाद हो सकता है कि मेरी सर्विस की क्वालिटी खराब हो जाए, इसीलिए मुझे गिफ्ट की नहीं आपकी तारीफ की जरूरत है। थैंक यू।
दिल पे घाव कर गई। ये फाइव स्टार होटल वाले अपने गेस्ट को खुश रखने के लिए हॉट सुपर हॉट लड़कियों को रखते हैं। ये लड़की अलग है। इसके बाद आपके लिए एप्पल जूस लाऊंगा मैडम। तुम्हारे कपड़े आज बड़े चमक रहे हैं। मैं कपड़ों के लिए ट्रिपल एक्स वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करता हूँ। आप क्या इस्तेमाल करती हैं? ये मुझे इस्तेमाल करती हैं। चलो जाओ यहाँ से। ट्रिपल एक्स वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करता हूँ। ट्रिपल एक्स वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करता हूँ। शर्मा, मैं बैठ गया हूँ अम्मा जी। तो शुरू करूँ? शुरू हो जाइए। कपड़ों में लगाओ ट्रिपल एक्स, हर मोच पे लगाओ आयोडेक्स। सारी मैंने पहनी है ऑप्टेक्स, मेरे घर में लगी टंकी सिंटेक्स। हम नहीं भरते इनकम टैक्स। करेक्ट है। नाम मेरा वैद्य रहमान, आँखों में लगाया मैंने सुरमा। बाबा तो करो शर्मा। काश ये सुनने से पहले भगवान उठा लेते मुझे। कुछ गिरा? शायद आपकी कविता सुनकर कोई परिंदा मर गया। आपने कितनी खूबसूरती से पानी की प्रॉब्लम को बयान कर दिया अम्मा जी। मैंने क्या सच में वाटर प्रॉब्लम को बयां कर दिया? वाटर प्रॉब्लम ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, रामूजी फिल्म सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, सब बता दिया। काश आपको कभी पब्लिसिटी ना मिले। अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? फॉरेन। फॉरेन? मेरा मतलब यूरिन। इसके ऊपर भी कविता बनाएगी? मैं निकल लेता हूँ। क्लोरीन डिस्प्रिन रिन। चलो टॉयलेट चलते हैं। मुझे क्यों नहीं जा रहे हो? सिक्योरिटी के लिए। ये दोनों टॉयलेट जा रहे हैं, मैं इनके पीछे जाता हूँ, तुम बाहर खड़े रहना। ठीक है सर। उसने कहा कि जल्दी हमारे पास 8 mm की रिवॉल्वर आ जाएगी। पहले हाथ धो ले। ओह, लेकिन इस काम के लिए बशर नहीं आ रहा है। क्यों, उसको शर्म आती है क्या? वो सब मुझे नहीं पता। लेकिन वो किसी सुपारी किलर अख्तर को भेज रहा है और गन्स भी। नहीं नहीं, असि सिर्फ पंजाबी समझते हैं। पंजाबी साड़ी मदर टंग है, साड़ी मदर की भी मदर टंग पंजाबी है। तुसी अपनी बात जारी रखो, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा, इसे हिंदी नहीं आती है। हाँ जी। अब बता बॉम्ब कब आने वाले हैं? मस्तान से बात हो गई है शर्मा जी। उसने बताया कि जल्दी इंतजाम कर देगा। लेकिन भाई इस बार भी डबल पेमेंट मांग रहा है। और उसका कुछ करना पड़ेगा, आप ही। अंजाम क्या होगा, समझ गए? जानता हूं भाई। और सुलेमान भाई भी पेमेंट की बात कर रहा है, उसका क्या करें? बार बार सब लोग पेमेंट के लिए फोन करते हैं, अच्छा नहीं लगता भाई। कुछ करो ना प्लीज। सारी की सारी AK-47 मुंबई में। तुम तो हिंदी नहीं समझते थे ना? नहीं जी, वो आपने मुंबई का नाम लिया ना, तो साड़ी बहन की बेटी भी मुंबई में रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तुमको हिंदी नहीं आती, मुझको पंजाबी नहीं आती। ओ पाजी, सत्री। बाय 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 बाय। इसे इतना टाइम लग गया, कहीं डायबिटीज तो नहीं है? आपको ही पता होगा। क्यों, मुझे डायबिटीज है? टैबलेट लेते हुए देखा तो है आपको। वो तो वहीदा रहमान की थी। लेकिन ले तो आप रहे हो। मुझे क्या पता, तू देख लेगा। सर सर सर, वो टेररिस्ट आपस में क्या बात कर रहे थे? समझ में नहीं आया। वो क्या चाइनीज में बोल रहे थे जो समझ में नहीं आया? हिंदी में ही बोल रहे थे। तो फिर कुछ सुनाई नहीं दिया। क्यों? इसका शोर कुछ ज्यादा ही था। पानी गिर रहा था कि ओले। हे, फिर आ गए। कितनी बार तुम्हें मना करना पड़ेगा? मैंने जो कहा था वो समझ नहीं आया तुम दोनों को? देखो, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। बहुत दिनों के बाद एक लंबी डील हो रही है, अपनी टांग मत अड़ाओ बीच में। रज़ाक साहब यहीं आ रहे हैं। बंद रखो। हाय फ्रेंड्स, तुम आ गए? हाय सर। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो क्या? हाँ सर, लकी मेरी बहन है। ओह सुपर। तो लकी तुम्हारी बहन है। मैं जल्दी तुम्हारे भाई को माला माल करने वाला हूँ, सुन के अच्छा लगा। हैव अ नाइस डे सर। चंदू। हाँ सर। तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। हाँ ठीक है। मेरे रूम में आओ। मैं बस यूं गया और यूं आया। क्या बात है सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? माय फ्रेंड, इस शहर में कई शानदार होटल्स हैं, लेकिन जब भी मैं दुबई से यहां पर आता हूं तो इसी होटल में रहता हूं। तुम इसकी वजह जानते हो? नहीं सर। तुम्हारी बहन। क्या कहा? लकी, गोल घुमा के बात नहीं करूंगा, सीधे पॉइंट पे आऊंगा। सर, जिस जमीन के मैं तुम्हें 1 crore rupees देने वाला हूं, उस जमीन के अब 1.5 crore दूंगा, लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद
आधी रात को तुम्हारी बहन होटल के यूनिफॉर्म में वो बड़ी हसीन लगती है। डॉक्यूमेंट्स लेके उसे मेरे पास अकेले आना होगा, वरना डील कैंसिल। तुझे क्या लगा मैं पैसों के लिए इतना गिर जाऊंगा? डील करनी है या कैंसिल कर दूं? इतना क्यों सोच रहे हो? मैं उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। अगर वो हाँ कहेगी तो ही मैं कुछ करूंगा, अगर वो मना कर दे तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इतना भरोसा तो तुम्हें मुझ पर करना ही होगा। चंदू, क्या हुआ? तेरी बहन है, तूने उसका वहीं खून क्यों नहीं कर दिया? मुझे अपने पिता का जेल में रहना चलेगा। चल उस साले का खून करके हम भी जेल चले जाते। भूल जा इस डील को। उसने कहा वो हमें 50 लाख ज्यादा देगा। ए, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो क्या? 150, पूरे 1.5 करोड़ रुपए। तू जो कर रहा है बिल्कुल सही नहीं कर रहा है, एक बार फिर से सोच ले। मैंने अच्छी तरह सोच लिया, तू चल। मैं अंदर नहीं आऊंगा, तू पत्थर दे ले, लेकिन मैं नहीं, तू ही जा। ठीक है, तेरी मर्जी। भाई हाँ? टी शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी, थैंक्स भाई। हाँ। चंदू बेटा, तुझे देख के बहुत खुशी हुई। मुझे भी माँ। लकी कहाँ है? छी छी, मेरे सामने उस मनहूस का नाम मत लो। ऐसा मत कहो माँ, हमारे अलावा उसका है ही कौन? कभी कभी लगता है जैसे कि हम ही उसे समझ नहीं पाए, हमसे ही कोई कमी रह गई। चाहे जैसी भी है, लेकिन है तो हमारे घर की बेटी ही ना। उस लड़की ने हमारा जीना हराम कर दिया है, उसने आप पर केस किया और हमारे पापा की जान भी उसी की वजह से गई है। ए, वो तेरी बड़ी बहन है, उसके बारे में गलत मत बोल। लेकिन भैया, चुप हो जा, समझा कर। चंदू माँ, हम एक परिवार हैं, हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। माँ, मैं सारे गिले शिकवे मिटाना चाहता हूँ। कितने दिनों के बाद आज दिल का बोझ हल्का हुआ है, मैं आज बहुत खुश हूँ लकी। बस इतने भोले बनने की कोशिश मत करो, यहाँ आने की वजह बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है लकी। नहीं, कुछ तो बात है, साफ साफ बताओ। अचानक हमारी याद कैसे आ गई? अब क्या माँ और शिवा के भी हिस्से की प्रॉपर्टी हड़पनी है? छी, ऐसा कुछ नहीं है, ये लो। ये क्या है? हमारे केस से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स इस फाइल में रखे हुए हैं। लकी, मैं बदल गया हूँ। तुम नहीं बदल सकते, इम्पॉसिबल, सच सच बताओ। पता नहीं ये कैसे कहूँ, लेकिन बताना तो पड़ेगा। साफ साफ बोलो। दरअसल तुम्हारे होटल में जो रजाक साहब ठहरे हुए हैं, मेरी उनके साथ एक लैंड डील हुई है। हाँ तो? अब उन्होंने एक शर्त रखी है लकी, उन्होंने कहा कि पापा के जाली साइन किए, तुमने ही उन्हें धोखा दिया और हमारे खानदान की इज्जत को कोर्ट में घसीटा। तुम ही उनकी मौत के लिए जिम्मेदार हो। अगर तुम माँ के सामने अपना जुर्म कबूल कर लो तो मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ। बाहर आ जाओ। एक और बात, अभी जो तुमने मुझसे कहा वही बात माँ और शिवा के सामने कहनी होगी, और उसके बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। परेशान क्यों हो? अम्मा, घर के पेपर्स पर मैंने पापा के 40 साइन किए थे,
और उनकी मौत का भी जिम्मेदार मैं ही हूं। अब लकी का कोई दोष नहीं है। माँ, चंदू आपको एक और जरूरी बात बताना चाहता है ना चंदू? वो तेरी बहन है, तेरी छोटी बहन। ऐसा बोलने से पहले तेरी जुबान क्यों निकट गई? मुझे शर्म आती है, तू मेरी कोख से पैदा हुआ बेशर्म। तेरी वजह से मेरे पति की मौत हो गई और मैंने तुझ पे यकीन किया। सत्यानाश हो तेरा। अब क्या मेरी जान लेने आया है? अगर तू इस घर के या लकी के आसपास भी नजर आया तो मैं तुझे मार डालूंगी। निकल जा यहाँ से, अपनी मनहूस सूरत लेके जा, निकल। मैं कहती हूँ जा यहाँ से, निकल जा। आज से तू मर गया हमारे लिए, मर गया। भैया, शर्म आती है तुझे अपना बड़ा भाई कहते हुए। जिसे मैं गलत समझता था वो तो देवी निकली। ऊपर वाला तुझे 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 कभी नहीं माफ करेगा। निकल जा यहां से, चल निकल। टेंशन मत ले। रजाक साहब जो पैसे देंगे इस बैग में डाल देना। सोया नहीं? मैं तो जैसा कमीना नहीं हूं ना। क्या सर, आपने उन टेररिस्ट को गिरफ्तार कर लिया है और इस होटल के टेररिस्ट को मुझे गिरफ्तार करना है? सर। ओके सर। सर, आपने पहचाना उन्हें? हाँ, वो शाहरुख और वो सलमान है सर। अरे घूंचू कहीं के, वो सुपरस्टार या क्रिकेटर है जो मैं उन्हें पहचान जाऊंगा? नहीं सर, वो टेररिस्ट है। ये वही लोग है जिनके हमने उसे स्केच बनवाए थे। वो टेररिस्ट नहीं है, वो छोटे मोटे हेरा फेरी करने वाले चोर है। असली टेररिस्ट अब आने वाले है। लो आ गए असली टेररिस्ट। अम्मी जान, hey, क्या हुआ? वो देख पुलिस वाले। ये तो रजाक को अरेस्ट कर रहे हैं। इंस्पेक्टर पटेल जानता है कि तुम दोनों टेररिस्ट हो। टेररिस्ट? खुद को मेरे हवाले कर दो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिहाद, जिहाद। ए चूहे, तुम्हारे पाकिस्तान से ही नहीं, हम सबसे महान हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तुम्हारे हिंदुस्तान को हम तबाह कर देंगे। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, कंट्री साइड डॉग्स लाइक यू जस्ट कैन नॉट डू एनीथिंग टू आवर कंट्री। से इंडिया इज बेस्ट, से इंडिया इज द बेस्ट, से इट। इंडिया, इंडिया इज द बेस्ट। यू, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सर, मेरा भारत महान। माँ कसम, क्या इंग्लिश बोलते हो आप? मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हें लगता है। तुम्हारी तरह मैं भी अपनी काबिलियत की वजह से चुना गया था। आई एम सॉरी सर। अरेस्ट देम। तू यहीं रुक। सर, सर, रजाक सर, सर। मुझे बाय कहने के लिए आए हो? सर, वो पैसे? वो तो लकी ले गई। हा? तुम्हारी बहन बहुत शरीफ लड़की है, भली लड़की है वो। सर, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। उस बैग में 5 लाख एक्स्ट्रा है, वो सिर्फ उसके लिए है।
तुम उसे दे देना। ओके सर। सर फ्लाइट का टाइम हो गया, ज्यादा देर करेंगे तो फ्लाइट मिस हो जाएगी सर। और जाते जाते शर्मा को जरूर मिल लेना सर, भूलना मत। जरूर सर। सर थैंक यू सर। कैश कहाँ है? कैश कहाँ है? चेक, ये तो चेक है। तुमने चेक क्यों लिया? ये बेरर चेक है। ये बेरर चेक है, कैश की तरह होता है, बैंक तुरंत पैसे देगा। ओह थैंक यू वेरी मच लकी। रजाक पराया होकर भी मेरी इज्जत करना जानता है, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। बैंक कितनी देर में खुलेगा? आधे घंटे में। अब तुझे एक बात बताना भूल ही गया, रजाक ने मुझे शर्मा से मिलने के लिए बोला है। तो चल मिल लेते हैं। छोड़ना यार, बेकार में वो वास्तु की बात करके, शुभ अशुभ की बातें करके मेरा और तेरा टाइम वेस्ट कर देगा। अगर उसने भी कमीशन मांग लिया तो फुगड़ के पंगे। यार कितने दिनों से आइटम को फोन नहीं किया। जैसी तेरी मर्जी। आइटम मेरी है तो मेरी मर्जी होगी ना। रजाक साहब का चेक है। रजाक साहब के अकाउंट में 18.5 करोड़ है। हेलो सर। क्यों रवि जी, अब देश के साथ साथ हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। आप दोनों को मैनेजर साहब ने कैबिन में बुलाया है। क्यों? वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये चेक पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये ज्वाइंट अकाउंट है, मिस्टर रजाक के साथ साथ हमें मिस्टर शर्मा के भी साइन की जरूरत होगी। तो उस दिन 1 लाख रुपए कैसे दे दिया? 10 लाख से ज्यादा की पेमेंट के लिए हमें दोनों के साइन चाहिए, उसके बिना ये क्लियर नहीं होगा। नहीं सर ये गलत है, आप हमारे पैसे। चंदू ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चल मेरे साथ, तू इधर आ, मैं समझा। पर हमारे पैसे, इसीलिए रजाक ने तुझे शर्मा से मिलने के लिए कहा था। तू जल्दी चल उसका साइन ले लेते हैं। हां जल्दी चलना होगा, नहीं तो उसकी फ्लाइट रुक जाएगी। चल उसे नहीं पकड़े तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। शर्मा जी कहाँ है? शर्मा जी वो तो अभी अभी उड़ गए, पीछे देखो। शिट, तूने मुझे धोखा देके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तुझे भरोसा किया था कि मैं अपने पापा को छोड़ा सकूं, तुझे अपने 5 लाख भी दे दिए। धोखा किसने खाया रवि? इस डील के लिए न जाने मैंने कितनों का दिल दुखाया, कितने रिश्ते तोड़े। तेरे तो सिर्फ 5 लाख गए और तेरा बाप 6 महीने के बाद जेल से छूट भी जाएगा, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी की वाट लग गई। तू इसी लायक है, तू है ही कमीना। मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं, हम दोनों के लिए। चुप जा, बोल रहा तू। रुक जा। हाँ नहीं रुकूंगा, मैं कह रहा हूँ रवि रुक जा, नहीं छोड़ूंगा। बस कर रवि। अभी दिखाता हूँ साले तेरे को मैं। आ मार मुझे, मार 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 और मार, ये ले। मारेगा तू? अरे दोस्त की कमी नहीं तू। रवि अरे रुको, चंदू रवि छोड़ो, मैं कह रहा हूँ छोड़ो, हट जाओ। ए रवि चुप, अरे ले लूंगा मैं तेरी। रुको मेरी बात सुनो, तू मेरे साथ चल। चल रवि तू शांत रहना, मेरे साथ चल, चल अंदर आ। मुझे रोकने की क्या जरूरत है? तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं नहीं रोकता तो उसे मार के जेल पहुंच गया। 1 करोड़ में 1 रुपया नहीं मिला, ऊपर से 25 लाख मेरे चले गए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। गलती करना गलत नहीं होता, अनजाने में गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझकर गलती करना गलत है और उसे दोहराना और भी बड़ी गलती। अगर गलती करना जरूरी हो और उसके बिना कोई रास्ता ना बचा हो तो नई गलती कर लो, पर पुरानी गलती मत दोहराओ। क्या? मेरे साथ चल, तुझे तुरंत 40 से 50 लाख कमाने का धांसू आइडिया देता हूँ। ये ऑटो वाले जरा जल्दी चलोगे? बस 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 रोको 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 रोको। हाँ भाई कितना हुआ? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तू अंदर तो चल, सब पता चलेगा, चल। चामुंडेश्वरी देवी का घर है ना? चामुंडेश्वरी
ओ तो यहाँ कोई शूटिंग चल रही होगी तब आया होगा। एक महीने पहले बच्चन साहब की शूटिंग चल रही थी यहाँ पर। फिल्म चाहे कोई भी हो, शूटिंग तो इसी हवेली में होती। लगा हुआ है शूटिंग करने में। इस हवेली को इसका मालिक किराए पर देकर अमेरिका चला गया। ये घर शूटिंग के लिए दिया जाता है? हाँ हाँ, यहाँ काफी फिल्मों की शूटिंग होती है। एक सेट पीछे भी है। अबे बंदर की औलाद, जाके दांत घिस क्या? नमस्ते। हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू? नमस्ते नमस्ते। ऐसे क्या देख रहे हो? चक्कर आने लगे? चक्कर नहीं, तुम्हें तो शौक लगा होगा, मुझे भूले तो नहीं? हे रवि, ये मेरा बेटा है। मुझे मेरे पिता को बचाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ हो नहीं पाया। अच्छा, क्या हुआ तेरे पिता को? हार्ट अटैक? नहीं सर, चीटिंग के झूठे केस के इल्जाम में जेल में बंद है। जिस फाइव स्टार होटल में तुम ठहरे थे, ये वहां का जनरल मैनेजर है। अब ये तुम्हारा बहनोई है। तुमने फैक्ट्री के लिए लोन लेने के चक्कर में मुझे चीट किया और मुझे जेल हो गई थी। आपका लोन मंजूर हो गया, ये रहा चेक। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे बेटे ने तुम्हें धोखा देकर मुझे जेल से छुड़ा लिया। जिस चामुंडेश्वरी को तुमने 30 लाख रुपए दिए, वो मेरी बहन है और इसकी बुआ है। उसने और मेरे दोस्तों ने इस नाटक में रवि की मदद की। हेलो चंदू, जब रवि ने मुझे अपनी कहानी सुनाई तो मुझसे रहा नहीं गया, सोचा कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया, लेकिन तू तो मेरा पहले से दोस्त था, तो मैंने रवि को अपना चेला बनाकर उसी स्टोर में भेजा जहां तू चीटिंग करने के लिए पहले से मौजूद था। वो तो तुझे चूना लगाने आया था। उसके बाद जो उसने किया वो तेरे पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ा। कैश काउंटर वाली लड़की को कंफ्यूज किया, हालात ऐसे बन गए कि रवि की एंट्री तेरी लाइफ में हुई और तुझे पता भी नहीं चला। क्या हीरो? क्यों चंदू, शर्मा जी को यहां देख के होश उड़ गए? ये रजाक के कोई मैनेजर नहीं है, ये मेरे होटल के एमडी हैं, मनीष उपाध्याय। चंदू, तुम्हें लगा कि ये सब तुम्हारा प्लान किया हुआ है, सब कुछ तुम्हारे मुताबिक चल रहा है? बिल्कुल नहीं, ये रवि का प्लान था।
एक और बात है जो तुम्हें नहीं पता, रवि हमारे होटल का जनरल मैनेजर है। अरे चंदू, हम तुझे सुधारना चाहते थे, इसलिए रवि के इस नाटक का हिस्सा बने। मैंने तेरी बहन से एक वादा किया था कि मैं उसके माँ और भाई का मन बदल दूंगा और उसके भाई चंदू को सुधार दूंगा। रवि, सुना है दुनिया में अच्छे लोग होते हैं, लेकिन आज देख लिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रवि, सच कहूं तो मैं माफी मांगने का भी हकदार नहीं हूं, हो सके तो माफ कर देना। सॉरी। घबराओ मत, ये मेरे नाटक में शामिल नहीं थे, इन्हें तो मैंने सिर्फ शादी में बुलाया है। इन पेपर्स को देख के तुझे रजाक की याद आ रही है, वो फिल्मों का जूनियर आर्टिस्ट है, उसका नाम मोहनदास शुक्ला है, उसने रजाक का रोल किया था। बोलो मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, बोलो मजदूर यूनियन। ए गजनी, एक चाय पिलाना। अबे कितनी चाय पिएगा, प्रोड्यूसर एक एक चाय का हिसाब रखता है। एक चाय पिलाने के लिए कितना नाटक करती है। एक बार मुझे आमिर खान की फिल्म में मेन विलन का रोल मिल जाए बस, फिर देखना कैसे मेरे तलवे चाटती है ये। हद है यार, हम सबने तुम्हें बदलने की कितनी कोशिश की। डोंट टेक इट पर्सनली, स्माइल स्माइल। डायरेक्टर साहब, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर रवि, तुम जो चाहते थे वो हासिल कर ही लिया। वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच सर, ये कॉन्सेप्ट सर का था। हाँ तो क्या हुआ, जब मैं इनके होटल में शूट कर रहा था तब रवि ने मुझे ये बताया, इसमें ट्विस्ट अच्छा था इसलिए मैंने मदद की। अब अगर तुम वाकई बदल जाते हो तो समझो सबकी मेहनत रंग ले आई। ओके सर, ये गाना कौन सी फिल्म का है? सौदागर, दिलीप साहब की फिल्म थी, सुपर हिट थी। थैंक यू सो मच सर, अब जाके मुझे पता चला। क्या कह रहे हो, ये तो पॉपुलर गाना है। मिस्टर चंदू आइए मेरे साथ। मैं खुश हूँ, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अंत भला तो सब भला, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। Thank you.